अगर आप एक डेटा एनालिस्ट हैं तो आप जानते होंगे कि डेटा को एनालाइज करने से पहले डेटा को मैनेज करना बहुत जरूरी है। MySQL डेटा को मैनेज करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक यूनिक सॉफ्टवेयर है जो कि बहुत इजीली डेटा को मैनेज करने में आपकी मदद करता है। मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए MySQL की एक लेक्चर सीरीज जिसमें हम जीरो से एडवांस तक तमाम टिप्स और ट्रिक्स के बारे में जानेंगे, जिसमें डिफरेंट डेटाबेस रिलेटेड क्वेरीज, डिफरेंट टेबल रिलेटेड क्वेरीज, जिसमें ज्वाइंस और कीज और उसके अलावा बहुत सी और यूनिक टिप्स और ट्रिक्स के बारे में आपको सिखाया जाएगा। वेलकम टू कोडेनिक्स, मेरा नाम हमाद तुफैल है और मैं इस लेक्चर सीरीज में आपको MySQL वर्कबेंच को यूज करने में थ्रू आउट गाइड करने वाला हूँ। लेट्स स्टार्ट मास्टरिंग द वर्ल्ड ऑफ MySQL। सबसे पहले बात आती है कि डेटाबेस क्या होता है। डेटाबेस आपके पास कलेक्शन ऑफ डेटा होता है जो कि स्टोर किया होता है एक ऐसे फॉर्मेट में जो कि आपको इजीली एक्सेसिबल हो। डेटाबेस एक डेटा का फॉर्मेट होता है स्पेसिफिकली जिस फॉर्मेट में आपने वो डेटा सेव किया होता है जिसको आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। और एक्सेस करने का मतलब ये है कि आप उसको इजीली यूज कर सके, आप उसको इजीली अपडेट कर सके, आप इजीली उसको डेटा में चेंजिंग कर सके और आप उस डेटा को इजीली व्यू कर सके। तो इसकी एक बेस्ट एग्जांपल है डिजिटल डेटाबेस। डिजिटल डेटाबेस की एग्जांपल के लिए आपके पास यहाँ पे एक टेबल है, ये टेबल आपके पास शो हो रहा है और उसके अलावा आपको यहाँ पे नेम, कॉन्टेक्ट नंबर, CNIC और सीट नंबर है। अब यहाँ पे ये क्या चीज है, ये एक डेटाबेस की एग्जांपल है। लेट्स सपोज आप कहीं पे ट्रेवल करना चाह रहे हैं और किसी ट्रेवल कंपनी को या ट्रेवल एजेंसी को आप कॉल पे अपनी सीट रिजर्व करवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए क्या है कि आप जब उनको कॉल पे बताते हैं अपनी इंफॉर्मेशन या आपने किस टर्मिनल से किस टर्मिनल तक जाना है, किस सिटी से किस सिटी तक आपने सफर करना है, तो उसके लिए वो आपसे आपका नेम पूछते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ यहाँ पे अहमद आपका नेम है, मैं अहमद यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, कॉन्टेक्ट नंबर दे देता हूँ 3012345 67 और CNIC नंबर दे देते हैं जी आप 3310124567 8। और यहाँ पे आपकी वो सीट नंबर अकॉर्डिंग टू दी अवेलेबल सीट्स वो आपको लेट्स सपोज वो कोई सीट नंबर दे देता है 01 दे देता है कि 01 आपका सीट नंबर है और वो एंटर प्रेस करता है, तो उसके पीछे आपके पास ये टेबल के फॉर्म में वो आपका डेटा जो है इस तरीके से स्टोर हो जाता है। अब जब आप उस टर्मिनल पे जाते हैं और जाके आपको जो मैसेज आया होता है इस डेटा से रिलेटेड, वो डेटा से रिलेटेड मैसेज आप जाके उनको जो सीट रिजर्व की होती है जिन्होंने उनको आप एजेंट को जाके दिखाते हैं, तो वो चेकआउट करते हैं यहाँ से कि आपका नेम ठीक है, कॉन्टेक्ट नंबर, CNIC नंबर और सीट नंबर ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग वो आपको क्या करते हैं, आपको सीट की जो टिकट होती है वो प्रिंट करके दे देते। तो बेसिकली ये आपका डेटाबेस है जिसको आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। सो डेटाबेस क्या है, आपके पास इजीली एक्सेसिबल डेटा फॉर्मेट है जिसमें आपने डेटा को स्टोर किया हुआ है। उसके बाद बात आती है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। अगर आप इसको देखें तो मैनेज करने वाला कोई सिस्टम है। इसका मतलब जब आप डिजिटली कोई डेटा जो होता है उसको मैनेज किस तरीके से करते हैं, आप उसको फिजिकली तो मैनेज नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें कोई ना कोई एप्लीकेशन की जरूरत होती है, कोई ना कोई सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो के डेटाबेस को मैनेज करने के लिए यूज होती है। आपका जो डेटाबेस है उस तक इजीली एक्सेस के लिए जो आपको एज अ मीडियम कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दरकार होती है, उस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल ये है कि लेट्स सपोज आप एक यूजर हैं और आपको डेटाबेस तक रसाई चाहिए, आपके पास कोई डेटा है, आप उसको चेक करना चाह रहे हैं, आप उसमें कोई चेंजिंग करना चाह रहे हैं, तो आपको वहां तक रसाई चाहिए, तो उसके लिए आपको पहले डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में से गुजर के जाना होगा। तो क्या होगा कि यूजर जब डेटाबेस मैनेजमेंट तक जाएगा तो जो आप उसको इंफॉर्मेशन देंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को, उसके अकॉर्डिंग वो आपको डेटाबेस तक रसाई दे देगा और वो आपको एज एन आउटपुट शो करेगा। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है आप उसको ये कह सकते हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपके लिए एक मीडियम के तौर पे होता है। मीडियम के तौर पे ये होता है जैसे कि आपको एक इसकी बेस्ट एग्जांपल है कि जब आपको कोई आवाज सुनाई देती है तो आवाज हवा में से गुजर के आपके कानों तक आती है, जो उसकी आवाज की वेव्स होती हैं। सो वो वेव्स जो हवा में से गुजरती हैं तो हमारे कानों तक जब पहुंचती हैं तो हवा उस आवाज की वेव्स के लिए, हमारे पास साउंड वेव्स के लिए एज अ मीडियम काम करती है। तो यहाँ पे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी यूजर के लिए डेटाबेस तक पहुंचने तक एज अ मीडियम काम करता है। अब बात आती है टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस। डेटाबेसेस कौन कौन सी टाइप के हैं। डेटाबेसेस जो है बेसिकली टू टाइप्स के हैं, एक रिलेशनल डेटाबेस और दूसरे हैं नॉन रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है, एक ऐसा डेटाबेस है जो कि आपको इनेबल करता है अपने डेटा को स्टोर करने के लिए,
अक्रॉस मल्टीपल टेबल्स, यानी कि आप रिलेशनल डेटाबेस में डेटा जो है आप टेबल्स में स्टोर करते हैं और उनको लिंक करते हैं और डिफरेंट टेबल्स को रिलेशनशिप के साथ, कोई स्पेसिफिक रिलेशनशिप क्रिएट करके उन टेबल्स के दरमियान में आप उन टेबल्स का एक लिंक क्रिएट करते हैं। तो रिलेशनल डेटाबेस आपका टेबल्स की फॉर्म में डेटा होता है और आप डिफरेंट टेबल्स को एक दूसरे के साथ लिंक कर सकते हैं। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो आपके पास एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि रिलेशनल मॉडल्स की बेस पे वर्क करता है। नॉन रिलेशनल डेटाबेस जो है, नॉन रिलेशनल डेटाबेस आपके पास एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ डेटाबेस है जिसमें टेबल्स भी होते हैं, टेक्स्ट भी होता है और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डेटाबेसेस जो है वो कंबाइन की होती है, तो उस डेटाबेस को हम नॉन रिलेशनल डेटाबेस कहते हैं। अब ये डेटाबेस स्ट्रक्चर जो होती है इसमें आप वाइड रेंज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो भी दे सकते हैं विद डिफरेंट फॉर्मेट्स, और इस तरीके से ये जो डेटा सेट है वो नॉन रिलेशनल डेटाबेस जो है वो आपका रिलेशनल डेटाबेस की निस्बत ज्यादा जो है वो फ्लेक्सिबल बन जाता है। बट जो हमारा रिलेशनल डेटाबेस है वो रिलेशनल डेटाबेस टेबल्स की फॉर्मेट में जो डेटा स्टोर करता है और उन टेबल्स को एक दूसरे के साथ लिंक किया होता है, तो वो लिंक्ड जो टेबल्स होते हैं और वो जो सेपरेट टेबल्स का डेटा होता है आप उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो आप डीबीएमएस जो रिलेशनल डेटाबेस के लिए यूज होता है उसको आप आरडीबीएमएस भी बोल सकते हैं, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो है आपके पास MySQL की। ये आपके पास एक ऐसा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि रिलेशनल डेटाबेस को हैंडल करता है। उसके अलावा ओरेकल है, PostgreSQL है और इसके अलावा SQL सर्वर है, ये रिलेशनल डेटाबेसेस को हैंडल करते हैं। MongoDB जो है वो नॉन रिलेशनल डेटाबेस को हैंडल करने के लिए एक बहुत ही बेस्ट सर्वर है। तो हम इस MySQL में चूंकि रिलेशनल डेटाबेसेस के बारे में बात की जाती है और रिलेशनल डेटाबेस को यूज किया जाता है, सो हम MySQL में रिलेशनल डेटाबेस को यूज करें। देखते हैं कि एसक्यूएल है क्या। एसक्यूएल के बारे में हम बात कर रहे हैं तो हमें एसक्यूएल का पहले पता होना चाहिए कि एसक्यूएल है क्या। एसक्यूएल कंप्यूटर की लैंग्वेज है जिसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अब लैंग्वेज क्या है, जैसे हम उर्दू बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, पश्तो बोलते हैं, इलाके के लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए हम वो लैंग्वेज यूज करके हम अपना मैसेज जो है वो कन्वे कर सकते हैं या हम उनसे बात कर सकते हैं। इसी तरीके के साथ कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है जो कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए यूज की जाती है। इसी तरीके से जो एसक्यूएल है वो कंप्यूटर की एक लैंग्वेज है जो कि कंप्यूटर के साथ रिलेशनल डेटाबेसेस है वहां तक इंटरेक्ट करने के लिए यूज की जाती है। सो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एसक्यूएल बोलते हैं और इसका जो एब्रिविएटेड नेम है वो है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। सो एसक्यूएल इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज टू इंटरेक्ट विद दी रिलेशनल डेटाबेसेस। रिलेशनल डेटाबेसेस को हम इंटरेक्ट करने के लिए एसक्यूएल जो लैंग्वेज है कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसको यूज करते हैं। हम एसक्यूएल में फोर क्रड ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करते हैं। वो कौन से फोर ऑपरेशन है, ये क्रड ऑपरेशन क्या है, क्रड टी फॉर क्रिएट, R for read, U for update and D for delete. क्रिएट मीन आप कोई ना कोई डेटाबेस जो है अपनी रिक्वायरमेंट से रिलेटेड इसमें क्रिएट कर सकते हैं और इसको एसक्यूएल में आप परफॉर्म करके चेक कर सकते हैं और आप इसको एसक्यूएल से इंटरेक्ट कर सकते हैं। आप कोई भी जो डेटाबेस आपने क्रिएट किया हुआ है उसको आप रीड करना चाह रहे हैं तो आप उसको व्यू कर सकते हैं, ओपन करके उसको रीड कर सकते हैं। डेटाबेस को आप अपडेट कर सकते हैं, अपडेट करने का मतलब ये है कि आप कोई ना कोई चेंजिंग करना चाहते हैं, आप उसमें कोई डेटाबेस में अपडेशन लाना चाहते हैं तो आप उसको एसक्यूएल के जरिए से माई एसक्यूएल प्लेटफॉर्म जो है उसके जरिए से आप इंटरेक्ट करके एसक्यूएल से रिलेटेड जो डेटा होगा वो अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद डिलीट का ऑप्शन आता है। लेट्स सपोज आप अपने डेटाबेस को डिलीट करना चाहते हैं तो आप उसको डेटाबेस को डिलीट कर सकते हैं। फेसबुक हमारे पास एक बहुत ही फेमस प्लेटफॉर्म है जिसपे बहुत सारे लोग जो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। अगर आप फेसबुक को एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम समझे तो आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ साथ आप कोई भी अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप फेसबुक पे नए हैं, आपने अकाउंट क्रिएट करना है तो आप उस पर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट के बाद जब आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, आप अपने जो भी आपने एक्टिविटीज परफॉर्म की होती हैं उस प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए, चाहे वो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है या कोई भी दूसरा सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, उसको आप अपनी एक्टिविटीज को रीड कर सकते हैं। क्रिएट करने के बाद और रीड करते हुए अगर आप अपने डेटाबेस को चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका सिक्योरिटी पासवर्ड जो है या आप अपना यूजर नेम चेंज करना चाहते हैं, अपनी लिंक्ड ईमेल चेंज करना चाहते हैं, तो आप चेंज करके उसको अपडेट कर सकते हैं। और अगर आप कुछ टाइम बाद अपने जो अकाउंट है उसको डिलीट करना चाहते हैं, चाहे वो आपका किसी भी प्लेटफॉर्म का हो, तो जब आप उस अकाउंट को डिलीट करेंगे उस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से, तो आपका बैक एंड पे जो डेटाबेस सेव हुआ होगा वो आपका डेटाबेस डिलीट हो जाएगा। तो ये आपके पास स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज की एक थॉरो इन्फॉर्मेशन है। जब भी एसक्यूएल की बात आती है तो ये माइंड में क्वेश्चन आता है कि इसको सीक्वल बोला जाए या एसक्यूएल बोला जाए। सीक्वल अगर पढ़ें तो इसका मतलब है स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज,
और एसक्यूएल का मतलब है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसके पीछे की कहानी है कि इसको एसक्यूएल बोला जाए या सीक्वल बोला जाए। 1970 में आईबीएम एक कंपनी है जिसको इंटरनेशनल आईबीएम कॉरपोरेशन के दो रिसर्चर्स थे, रेमंड बॉयस और डोनाल्ड चैम्बरलेन। ये दो रिसर्चर्स थे जिन्होंने 1970 में आईबीएम कंपनी के रिसर्चर्स होते हुए एसक्यूएल डेवलप किया था। स्टार्टिंग में इसको सीक्वल ही पढ़ा जाता था, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम ये सीक्वल से एसक्यूएल में कन्वर्ट हो गया। दोनों नाम ठीक है, नो वरीज एट ऑल। आप इसको सीक्वल भी बोल सकते हैं और इसको एसक्यूएल भी बोल सकते हैं। सो सीक्वल फॉर स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज एंड एसक्यूएल फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। हम ये बात कर रहे हैं कि हमारा जो रिलेशनल डेटाबेस होता है वो टेबल्स के फॉर्मेट में होता है और एसक्यूएल में हम रिलेशनल डेटाबेस को यूज करते हैं। तो टेबल क्या होता है, टेबल को समझते हैं पहले। टेबल आपके पास ये एक स्टूडेंट टेबल दिया हुआ है जिसमें रोल नंबर, नेम्स, क्लास, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, सिटी है और हर स्पेसिफिक हेडिंग के नीचे स्टूडेंट्स का जो डेटा है वो दिया गया है। अगर मैं ऊपर से नीचे देखूं तो ये हमारे पास कॉलम्स हैं, जैसे ये रोल नंबर वाला कॉलम 1 हो गया, नेम वाला कॉलम 2, क्लास कॉलम 3, कॉलम 4 डेट ऑफ बर्थ का, कॉलम 5 हमारे पास हो गया जेंडर का और कॉलम 6 जो है वो हमारे पास सिटीज का हो गया। इसी तरीके से अगर मैं लेफ्ट टू राइट मूव करूं तो इस तरीके से हमारे पास जो है हर स्टूडेंट का डेटा जो है दिया गया है हर स्पेसिफिक हेडिंग से रिलेटेड। तो ये हमारी बन जाएगी रो 1, ये हो जाए रो 2, रो 3, रो 4 एंड रो 5। अब ये रोज हैं और ये कॉलम्स हैं। रो और कॉलम में क्या डिफरेंस होता है? आपके पास कॉलम्स जो होते हैं वो आपको स्ट्रक्चर देते हैं। स्ट्रक्चर मीन वो आपको डिजाइन देते हैं कि इसमें आपके पास कौन सा डेटा मौजूद है, और रो में आपके पास इंडिविजुअल डेटा होता है, इंडिविजुअल डेटा। कॉलम्स में हमारे पास ऊपर से नीचे जस्ट एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट डेटा है, यानी कि रोल नंबर है तो इस कॉलम में जस्ट आपके पास स्टूडेंट्स के रोल नंबर्स हैं। अगर आप कॉलम 2 में चले जाएं तो नेम्स है, तो नेम्स में आपके पास जस्ट स्टूडेंट्स के नेम्स हैं, और क्लास, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और सिटी जो आपके पास स्पेसिफिक हेडिंग है उससे रिलेटेड डेटा जो है आपके पास नीचे कॉलम्स में मौजूद है। बट अगर हम मूव करें रो वाइज, तो रो वाइज आपके पास इंडिविजुअल स्टूडेंट का ओवरऑल डेटा मौजूद है कि यहाँ पे रोल नंबर क्या है स्टूडेंट का, नेम क्या है, क्लास क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, जेंडर क्या है इसका और किस सिटी से बिलोंग करता है। सो आपके पास जो कॉलम्स होते हैं इनको स्ट्रक्चर भी कहते हैं, डिजाइन भी कहते हैं और डेटाबेस की लैंग्वेज में इसको स्कीमा बोलते हैं। जब हम डेटाबेस में स्कीमा की बात करेंगे इट मींस के जो हमारे पास टेबल्स हैं उनमें मौजूद हम कॉलम्स जो हैं उस टेबल के उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे बात होगी कॉलम और रोज की। कॉलम्स को हम स्कीमा और रोज जो है आपके पास इंडिविजुअल डेटा देती हैं। सो स्कीमा जो होता है वो स्ट्रक्चर और डिजाइन होता है। कॉलम्स और रोज मिलके आपके पास एक डेटा टेबल बना जिसमें हम अपना जो स्पेसिफिक डेटा होता है उसको स्टोर करते हैं हमारे डेटाबेस। अब हम MySQL में अपनी फर्स्ट क्वेरी को रन करते हैं और अपनी डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए डेटाबेस को हमने जस्ट लिखना है क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम लिख के ये सेमी कॉलन लगा देना है। सेमी कॉलन जो है हमारे पास वर्क करता है एज अ फुल स्टॉप। जैसे हम किसी सेंटेंस को या किसी स्टेटमेंट को लिखने के बाद फुल स्टॉप लगाते हैं, इसी तरीके से हमारे MySQL वर्क बेंच में जब हम अपने डेटाबेसेस को क्रिएट करेंगे या कोई भी हम क्वेरी जो है रन करेंगे तो क्वेरी लिखने के बाद हमें सेमी कॉलन लगाना है। सेमी कॉलन आपके पास फुल स्टॉप के तौर पे काम करेगा। तो रन करते हैं जी हमारी फर्स्ट क्वेरी और क्रिएट करते हैं अपनी फर्स्ट डेटाबेस। अब हम अपने MySQL वर्क बेंच को ओपन कर लेते हैं और ओपन करके इस विंडो के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि ये क्या क्या है। यहाँ पे हमारे पास कुछ टैब्स नजर आ रही हैं और टैब्स के नीचे आपके पास कुछ फाइल्स नजर आ रही हैं। जैसे कि आपको कोई भी एसक्यूएल से रिलेटेड कोई भी आपको फाइल चाहिए तो उसके लिए आप यहाँ पे प्लस वाले साइन पे क्लिक करते हैं। तो प्लस वाले साइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको विंडो शो हो जाती है। हमने जितने भी क्वेरीज को और कमांड्स को टाइप करना है वो हम इस विंडो पे, ये जो हमारा पैनल है, हम इस पैनल पे उन कमांड्स को लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास स्कीमास शो हो रहे हैं। स्कीमास साइन को जो है वो डिफाइन करते हैं आपके पास कितने डेटाबेसिस हैं और उन डेटाबेसिस में कौन कौन से टेबल्स मौजूद हैं। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो यहाँ पे टेबल्स वाला ऑप्शन है। टेबल्स पे क्लिक करूं तो यहाँ पे सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन वाला टेबल है। अभी हमने इसको नहीं छेड़ना, जस्ट हम जैसे ही यहाँ पे कोई जो कमांड रन करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आउटपुट शो होगी। तो यहाँ पे उसके स्कीमास में वो टेबल शो हो जाएगा जो हम अपनी क्वेरी को रन करेंगे उससे रिलेटेड।
ये वाला जो विंडो है आप इस विंडो को यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं। ये आपके तीनों विंडोज हाइड करने के लिए, लेफ्ट वाली, राइट वाली और बॉटम वाली। मैं यहाँ से लेफ्ट विंडो को हाइड कर देता हूँ और ये जो है हमारे पास विंडो पैनल जो है वो थोड़ा वाइड हो जाता है, जिसपे हमने अपनी कमांड्स को रन करना है। अब ये वो एरिया है जहाँ पे हम अपनी कमांड्स को रन करने वाले हैं। अब यहाँ पे मैं क्रिएट करना चाह रहा हूँ अपनी न्यू डेटाबेस को, तो मैं यहाँ पे क्रिएट करने के लिए लिखता हूँ क्रिएट वन और सेमी कॉलन लगा लेता हूं। तो ये मेरे पास, मैंने एक डेटाबेस क्रिएट करने के लिए एक जो है कमांड दे दी है कि क्रिएट करना चाह रहा हूं मैं डेटाबेस को जो कि टेम्प वन के नाम से, यानी कि टेम्प हमारी कोई भी डेटाबेस हो। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करके मैं इस एग्जीक्यूट वाले जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे दो हैं येलो वाले ऑप्शन। अब इन दोनों का क्या मकसद है हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। इस पे मैं क्लिक करता हूँ और क्लिक करके आउटपुट वाले पैनल में अगर मैं देखूं तो यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस हो गई है और यहाँ पे ये टिक का निशान है और वन रो इफेक्टेड है, यानी कि एक रो से रिलेटेड डेटा है। तो ये आपकी फर्स्ट डेटाबेस होगी जो कि क्रिएट हो गई है। अब इसी तरीके से अगर मैं और डेटाबेस क्रिएट करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी। अब यहाँ पे मैं लोअर केस लेटर में लिखता हूँ क्रिएट डेटाबेस टेम्प टू सेमीकोलन। और मैं अगर देखे जूम आउट करने पे अगर मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ तो आपको वो कोड शो जो है करेगा, वो एरर कोड शो करेगा 1007 और क्या है जी, कैन नॉट क्रिएट डेटाबेस टेम्प वन डेटाबेस एग्जिस्ट। क्योंकि ये जो है आपका जस्ट जो आपने पहले एग्जीक्यूट कर दिया उसी से रिलेटेड है। आपने अगर सेकेंड अपनी कमांड को एग्जीक्यूट करवाना, उसके लिए आपको हाईलाइट करना पड़ेगा अपनी डेटाबेस को। हाईलाइट करने के बाद आप ये सेकंड ऑप्शन जो है एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट अंडर द कीबोर्ड कर्सर, ये जो कीबोर्ड कर्सर के अंडर है यानी कि जो हाईलाइटेड है, हम इस कमांड को रन करवाना चाह रहे हैं, तो उसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा। और एग्जीक्यूट करने पे आप ये देख सकते हैं कि मेरी ये डेटाबेस जो है टेम्प टू वो भी क्रिएट हो गई। अब यहाँ पे एक मैंने जो कमांड रन की है वो की है अपर केस लेटर में, एक मैंने की है लोअर केस लेटर में। दोनों तरीकों से हमारी जो कमांड है वो रन हो गई है। इसका मतलब ये है कि ये केस सेंसिटिव नहीं है माई एसक्यूएल का वर्क बेंच। आप इसको अपर केस लेटर में भी अपनी कमांड्स को रन कर सकते हैं, लोअर केस लेटर में भी कमांड को रन कर सकते हैं। बट द थिंग इज, अगर आप किस लेटर्स में कमांड को रन करेंगे तो आपको एक बोल्ड करके और एक हाईलाइटेड फॉर्म में शो होगी। तो हम कैजुअली जो है वो अपर केस लेटर्स यूज करते हैं अपनी कमांड्स को रन करने के। अब यहाँ पे स्कीमाज में ये किस तरीके से टेबल्स शो होंगे, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके रिफ्रेश कर लेता हूँ। रिफ्रेश करने पे मैं टेबल्स की फॉर्म में जाता हूँ। जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया है यहाँ पे मेरे पास टेम्प वन और टेम्प टू की जो स्कीमाज हैं वो शो हो रही हैं। इसका मतलब ये है कि ये हमारा अलहदा टेबल क्रिएट हो गया है और ये हमारा अलहदा टेबल क्रिएट हो गया है। तो इस तरीके से हम अपनी कमांड्स को जो है रन करते हैं और अपनी डेटाबेस क्रिएट करते हैं। सेकेंड हमारी क्वेरी ये है कि हमने जो क्रिएट की है पहले क्वेरीज या डेटाबेसेस जो हमने क्रिएट की है उनको डिलीट करना चाहते हैं। तो डिलीट करने के लिए हम लिखते हैं ड्रॉप डेटाबेस, जो डेटाबेस आपने क्रिएट कर ली है जो आप डिलीट करना चाहते हैं उसके लिए ड्रॉप डेटाबेस लिखेंगे। और डेटाबेस का नाम देने के बाद जो आपने नेम दिया है क्रिएट करते हुए डेटाबेस को, आपने सेम नेम दे देना है और उसके बाद भी आपने सेमी कॉलन लगाना नहीं भूलना। ये बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सेमी कॉलन जो है ये आपकी क्वेरी को रन करने में हेल्प आउट करेगा। अगर आप ये सेमी कॉलन नहीं लगाएंगे तो वो आपको एरर शो कर देगा और आपको आउटपुट शो नहीं होगी। तो देखते हैं कि किस तरीके से हम अपनी क्वेरीज को डिलीट कर सकते हैं। अब ये देखते हैं कि ये जो हमने कमांड्स रन की हुई हैं या डेटाबेसेस क्रिएट की हुई हैं, हम इसको डिलीट कैसे कर सकते हैं। इन डेटाबेसेस को डिलीट करने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं ड्रॉप डेटाबेस और डेटाबेस का नाम क्या है जो हम डिलीट करना चाहते हैं, दैट इज टेम्प वन सेमीकॉलन। और मैं इसको सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये मेरी टेम्प वन जो है वो डिलीट हो गई है। आप अगर आउटपुट वाले पैनल में ना भी देखें तो यहाँ पे पहले हमें टेम्प वन शो हो रही थी स्कीमास में, लेकिन अब यहाँ पे टेम्प टू जस्ट शो हो रही है, यानी कि टेम्प टू अभी डेटाबेस मौजूद है बट हमने टेम्प वन जो है वो डिलीट कर दी है, ड्रॉप कर दी है। अब इसी तरीके से मैं टेम्प टू को अगर डिलीट करना चाहूँ तो उसके लिए अगर मैं अपर केस लेटर में लिखूँ तो ये है जी ड्रॉप डेटाबेस टेम्प टू सेमीकॉलन। और मैं इसको सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करूं तो आप यहां पे देख सकते हैं स्कीमास के पैनल में कि जो हमारी टेम्प टू वाली डेटाबेस है वो भी डिलीट हो गई है। अब केस सेंसिटिव की बात कर रहे थे, ये देखिए यहां पे मैंने कमांड दी है अपर केस लेटर में लेकिन उसको ड्रॉप किया है लोअर केस लेटर में। यहां पे मैंने लोअर केस लेटर में कमांड रन की थी पहले, फिर उसको ड्रॉप किया है अपर केस लेटर में की, तो यहाँ पे कोई इश्यू नहीं क्रिएट हुआ, हमारा कोड जो है वो रन हो गया। इसका मतलब ये है कि एसक्यूएल जो है वो टोटली केस सेंसिटिव नहीं है।
अब हमने डेटाबेसेस जो है वो डिलीट कर दिए हैं, अब हम क्रिएट करते हैं डेटाबेस, क्या क्रिएट डेटाबेस कॉलेज के नाम से, सेमी कॉलन, और मैं इसको रन करवाऊं तो एग्जीक्यूट करवाने पे यहाँ पे मैं इसको फ्रेश करूँ तो ये मेरी कॉलेज के नाम से डेटाबेस जो है क्रिएट हो जाए। तो इस तरीके से हम अपनी डेटाबेसेस को क्रिएट भी करते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। अब हम क्रिएट करते हैं अपना पहला टेबल माई एसक्यूएल वर्कबेंच। क्रिएट करने के लिए हमने जो पहले डेटाबेस क्रिएट कर ली उसको यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने कॉलेज नाम की डेटाबेस क्रिएट की और हम ये चाहते हैं कि उस कॉलेज नाम की डेटाबेस में हम स्टूडेंट से रिलेटेड जो है डेटा ऐड करें, तो उसके लिए हमें क्या करना है, पहले एक कमांड रन करनी है जो यूज डेटाबेस जो हम कॉलेज वाली यूज कर रहे हैं उसका नेम देंगे, उसके बाद सेमी कॉलन लगा के एंटर प्रेस कर देंगे कि वो हमारा एक कॉलेज से रिलेटेड जो हमने डेटाबेस क्रिएट किया है वो यूज होगी हमारा टेबल क्रिएट करने के लिए। टेबल कैसे क्रिएट करना है, टेबल क्रिएट करने के लिए हम लिखेंगे जी क्रिएट टेबल, टेबल नेम। अब जिस नेम से भी हम टेबल क्रिएट करना चाहते हैं वो नेम देंगे, जो ब्रैकेट है वो पैरेंथेसिस लगाने के बाद एंटर प्रेस कर देंगे। पैरेंथेसिस लगाने के बाद एंटर प्रेस करने पे हमारी सेकंड लाइन में हमारा कोड जो है वो लिखा जाएगा। हम पहले लिखेंगे जी कॉलम नेम, कॉलम नेम। फॉर एग्जांपल आप एक टेबल बनाना चाहते हैं जिसमें स्टूडेंट्स का डेटा ऐड करना चाहते हैं, सबसे पहले कॉलम में लिखना चाहते हैं आईडी, तो आप यहाँ पे आईडी लिख दें। सेकंड में आप नेम लिखना चाहते हैं, नेम लिख दें। और थर्ड में आप अगर एज लिखना चाहते हैं तो एज लिख, तो कॉलम के नेम हमने लिखने हैं। कॉलम नेम पहले हमने दे दिया आईडी, जैसे हम यहाँ पे दे रहे हैं जी क्रिएट टेबल करना चाह रहे हैं, हम स्टूडेंट से रिलेटेड यानी कि टेबल का नाम हम स्टूडेंट रख देंगे। फर्स्ट कॉलम का नेम हम आईडी दे देंगे, और आईडी देने के बाद अब आपको पता है कि आईडी जो होती है वो नंबर्स की फॉर्म में होती है, कोई भी आपकी जो है अल्फाबेट्स की फॉर्म में आईडी नहीं होती। तो नंबर की फॉर्म में आईडी जो होती है उसकी जो डेटा टाइप हम वो बताएंगे कि नंबर्स की फॉर्म में हमने डेटा, तो डेटा टाइप होती है इंटीजर्स, तो इंटीजर्स को हम INT करके लिखते हैं। INT आगे डेटा टाइप, और कंस्ट्रेंट क्या होता है, कंस्ट्रेंट होता है आपकी स्पेसिफिक कंडीशन को डिफाइन करने वाला जो एक कमांड है। सो कंस्ट्रेंट को आप कैसे डिफाइन करेंगे कि आप इस डेटा टाइप पे कौन सी कंडीशन अप्लाई करना चाह रहे हैं। कंस्ट्रेंट यहाँ पे आएगा प्राइमरी की, प्राइमरी की जो कंस्ट्रेंट होता है ये हमारे पास ऐसी की होता है जो कि यूनिक की होती हैं, और दूसरा इसमें नल कोई वैल्यू नहीं आती यानी कि नॉट नल होती है वैल्यूज इसमें। अब जब आईडी लिख रहे हैं तो आईडी जब कोई स्टूडेंट होगा तो उसकी कोई आईडी होगी, ये ऐसा नहीं हो सकता कि स्टूडेंट हो लेकिन उसकी कोई आईडी ना हो। सो यहाँ पे हमें नॉट नल का पता लग गया। अब यूनिक हमारी की कैसे हो सकती है, यूनिक का मतलब ये है कि एक कॉलेज में जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं हर स्टूडेंट की अपनी एक यूनिक आईडी होती है, क्योंकि स्टूडेंट के नेम सेम हो सकते हैं, स्टूडेंट की जो सिटी होती है वो सेम हो सकती है, स्टूडेंट्स की एज सेम हो सकती है, बट हर स्टूडेंट की एक यूनिक आईडी होती है। सो यूनिक आईडी से रिलेटेड आपको प्राइमरी की जो है वो इसकी कंस्ट्रेंट में लिखना होगी। सेकेंड वन इज नेम, यहाँ पे हमारा कॉलम जो है सेकंड वो नेम से रिलेटेड लिखना चाहते हैं, नेम लिख दिया जी हमने। अब डेटा टाइप क्या आनी चाहिए, डेटा टाइप आपकी आनी चाहिए जी वेरकर। वेरकर क्या है ये भी आपकी एक डेटा टाइप है, हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में कि वेरकर और कैर जो है यानी कि ये करेक्टर से ही निकली है, कितने करेक्टर से रिलेटेड है और ये वेरकर क्या है। हम यहाँ पे कंस्ट्रेंट दे देते हैं जी, आपकी लिमिट होनी चाहिए कि 50 करेक्टर्स तक जो आपका नेम है वो लिखा जा सकता हो, यानी कि अब कोई स्टूडेंट है जिसका जितना मर्जी बड़ा नाम हो उसमें जो है 20 to 25 करेक्टर्स तक होते, बट हम यहाँ पे एक लिमिट दे देते हैं कि जी 50 करेक्टर्स तक आपका जो वेरकर है वो हो सकता है। उसके बाद थर्ड कॉलम हम क्रिएट करना चाहते हैं जी एज का, तो जो यहाँ पे हमने एज लिख दिया कॉलम नेम, डेटा टाइप हमने यहाँ पे दे दिया इंटीजर क्योंकि एज भी जो होती है वो नंबर्स की फॉर्म में होती है, और यहाँ पे हमने कंस्ट्रेंट दे दिया है कि नॉट नल होनी चाहिए। यहाँ पे हमने कंडीशन क्या दे दिया कि जो हमारी एज है वो नॉट नल होनी चाहिए। अब नॉट नल का मतलब क्या है, नॉट नल का मतलब ये है कि कोई भी स्टूडेंट जो होगा उसकी कोई ना कोई एज के लिए फिगर्स होंगे, ये नहीं हो सकता कि किसी भी स्टूडेंट की एज जीरो हो। तो यहाँ पे नॉट नल का मतलब ये है कि आपकी ये कंडीशन यहाँ पे एज वाले कॉलम पे अप्लाई होनी चाहिए। अब इसको हम MySQL वर्कबेंच में क्रिएट करके देखते हैं कि हम किस तरीके से अपना ये टेबल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अब हम इस डेटाबेस को यूज करना चाहते हैं तो हम इसको कॉलेज वाली जो डेटाबेस हमने क्रिएट की है इसको मैं यहाँ से एग्जीक्यूट करवा देता हूँ। एग्जीक्यूट करके यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये मेरी कॉलेज वाली डेटाबेस जो है वो यूज होगी। अब यहाँ पे मैं टेबल क्रिएट करता हूँ जी क्रिएट टेबल, टेबल का नेम होना चाहिए स्टूडेंट, ब्रैकेट एंटर, हम यहाँ पे लिखेंगे आईडी, डेटा टाइप क्या होनी चाहिए इंटीजर, और इस पे जो हमारा कंस्ट्रेंट है वो क्या होना चाहिए, कंस्ट्रेंट होना चाहिए हमारा प्राइमरी की। प्राइमरी की कॉमा लगा के एंटर प्रेस करेंगे, कॉमा जहां पे आएगा वहां तक हमारा एक कॉलम होगा। नेक्स्ट हमारे पास आना चाहिए नेम से रिलेटेड, नेम, नेम की जो डेटा टाइप है वो होगी वेरकर,
कंस्ट्रेंट होगा जी इसमें 50, क्योंकि हमने ये लिमिट दी है और ये स्पेसिफिक कंडीशन है। और यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे, और इसके बाद आएगा जी थर्ड कॉलम एज, डेटा टाइप होगी इसमें इंटीजर, और कंस्ट्रेंट होगा जी नॉट नल, और ये लास्ट कॉलम है तो इसके लिए हम एंटर प्रेस कर देंगे, कॉमा नहीं लगाएंगे, और यहाँ पे हम करेंगे जी ब्रैकेट क्लोज एंड सेमी कॉलन। और सेमी कॉलन के बाद अगर मैं यहाँ पे इस टेबल के लिए जो डेटा हमने लिखा है इसको मैं यहाँ से एग्जीक्यूट करता हूँ, एग्जीक्यूट करने पे अगर मैं नीचे जाऊं तो मुझे ये क्रिएट टेबल बता रहा है जी क्रिएट टेबल हो चुका है। अब यहां से मैं कॉलेज वाले डेटाबेस में जाता हूं, कॉलेज वाले डेटाबेस में जाके यहां से मैं रिफ्रेश करता हूं, रिफ्रेश करने पे टेबल्स वाला कॉलम खोलते हैं और ये स्टूडेंट वाला आ गया है जी। स्कीमा स्कीमा में यहाँ पे ये शो हो रहा है कि आपके पास कॉलम्स आ रहे हैं। कॉलम्स में क्या है जी, आपके पास एक आईडी है, नेम है और एज है। इसका मतलब ये है कि आपके पास यहाँ पे कोई ना कोई टेबल जो है वो क्रिएट हो गया है जिसमें कॉलम होगा आईडीज का, नेम का और एज का। इस तरीके से हम जो है वो टेबल क्रिएट कर सकते हैं। अब बात आती है कि आप किस तरीके से वैल्यूज को इंसर्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए हम कमांड यूज करेंगे इंसर्ट इनटू। इसमें इंसर्ट करना चाहते हैं, हमें पता है कि हमारा टेबल जो है वो है स्टूडेंट नेम से, और वैल्यू क्या होनी चाहिए जी आपकी, वैल्यू होनी चाहिए, आपको पता है कि यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट कॉलम है वो है आईडी का, सेकंड वन इज नेम कॉलम एंड थर्ड वन इज एज कॉलम। सबसे पहले हम आईडी मेंशन करेंगे, आईडी होनी चाहिए जी 1001 कॉमा नेम, एक स्ट्रिंग फॉर्म है जो कोडर्स हैं उनको पता है कि कोडिंग करते हुए जो नेम होता है अल्फाबेट्स की फॉर्म में, जो भी आपका कमांड होती है उसको हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं। सो हम यहाँ पे लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमास, और इसमें मैं नेम लिख देता हूँ जी अहमद, और कॉमा एज क्या होनी चाहिए जी 26, और यहाँ पे लगा देंगे जी सेमी कॉलन, एंटर, इंसर्ट इंटू स्टूडेंट में, स्टूडेंट आपका टेबल नेम है, वैल्यू क्या होनी चाहिए जी, वैल्यू आपकी होनी चाहिए जी सबसे पहले आईडी 1002 कॉमा, उसके बाद नेम हसन इन्वर्टेड कॉमास कॉमा, एंड एज यहाँ पे आनी चाहिए 27, उसके बाद सेमी कॉलन, और मैं इन दोनों वैल्यूज को करने के लिए इंसर्ट यहाँ से एग्जीक्यूट करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपका कोड जो है वो रन हो गया, इंसर्ट हो गई है वैल्यूज, सेकंड वाली को भी एग्जीक्यूट कर देते हैं जी। अब आपकी दोनों वैल्यूज जो हैं वो इंसर्ट हो चुकी हैं। अब इसको हम चेक करना चाहते हैं कि कैसे इंसर्ट हुई है वैल्यूज, तो यहाँ पे लिखते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, और इसको मैं सेमी कॉलन लगा देता हूँ, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। एग्जीक्यूट करने पे यहाँ पे आपको आउटपुट जो शो होती है वो आपको टेबल की फॉर्म में शो होती है, 1001 ये आईडी है अहमद की, और 26 एज है, 1002 आईडी है इसकी हसन की, और एज जो है वो 27 आ रही है। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि ये स्टार क्या है, स्टार जो होता है वो आपके पूरे के पूरे डेटा सेट को सिलेक्ट करने के लिए होता है। मैंने ये कहा है कि सिलेक्ट कर ले सारे के सारे डेटा को, थ्रू आउट ऑल डेटा को फ्रॉम स्टूडेंट को, और स्टूडेंट टेबल में से ये जो हमने सारा डेटा सिलेक्ट करवाया है उसके बाद ये हमें आउटपुट की फॉर्म में शो हो रहा है। अगर हम यहाँ पे एक और वैल्यू ऐड कर देते हैं, अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, वैल्यू क्या होनी चाहिए, वैल्यू आपकी आनी चाहिए जी 1003 कॉमा, नेम आ जाए जी सुभान कॉमा, और एज आनी चाहिए 29, के बाद ब्रैकेट के बाहर हम सेमी कॉलन लगा देंगे, और अगर मैं अब इसको एग्जीक्यूट करूं तो यहाँ पे ये आ जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, और एग्जीक्यूट करने के बाद अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो ये एग्जीक्यूट यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे मुझे तीन स्टूडेंट्स के नेम, आईडीज और सारा डेटा जो है वो शो हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अपनी वैल्यूज को टेबल में इंसर्ट करते हैं बाय यूजिंग माई एसक्यूएल वर्क। अब बात करते हैं कि एसक्यूएल की डेटा टाइप्स कौन कौन से हैं जिनको हम यूज करते हैं अपने एसक्यूएल वर्क बेंच में। तो उसके लिए सबसे पहले है कैर और वैर कैर। कैर क्या होता है, वैर कैर क्या है, ये दोनों करेक्टर से रिलेटेड है। लेट सपोज अगर आपने किसी का नेम, किसी का सिटी नेम लिखना है, एड्रेस लिखना है, उसके लिए आपको करेक्टर्स की जरूरत होती है, और करेक्टर्स जो होते हैं वो ए टू जी होते हैं, और उन करेक्टर्स को यूज करने के लिए आप कैर या वैर कैर को यूज करते हैं। अब कैर कहाँ यूज होता है, वैर कहाँ यूज होता है, ये दोनों ही यूज होते हैं हमारे नेम, सिटी और एड्रेस वगैरह को ऐड करने के लिए, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अब इन दोनों में डिफरेंस ये है कि लेट सपोज एक नेम है और इसमें अगर हम देखें 1 2 3 4 5 करेक्टर्स, इट मीन्स कि यहाँ पे हम 5 अगर बॉक्सेस बना दें तो ए एच एम ई एंड डी,
यहाँ पे 5 बिट्स अगर हम इसको समझे, जो कंप्यूटर की फिजिकल यूज होने वाली जो लैंग्वेज है, तो फिजिकली ये कंप्यूटर जो है इसको 5 बिट्स में सेव कर लेगा। अब वेर कैर और कैर का यहाँ पे क्या करेक्टर, अब अगर आपको कैर के लिए 50 लिमिट दी है कंस्ट्रेंट्स के हवाले से, तो यहाँ पे अगर आप कैर यूज करेंगे तो ये आपका अहमद का नेम जो है वो लिखने के बाद बाकी जो 50 करेक्टर्स की प्लेस है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 यहाँ पे AHM E D लिख दूं, तो ये बाकी जो यहाँ पे आपकी बिट्स होंगी ये यहाँ पे इस नेम के साथ ही ऑक्यूपाई करे रखेगा, ये जस्ट इनको नहीं यूज करेगा, ये तमाम की तमाम 50 बिट्स जो हैं वो मेमोरी की आपकी यूज करेगा। लेकिन अगर आप वेर कैर यूज करते हैं तो वेर कैर क्या करता है, वो जस्ट आपके लिए जो आपकी बिट्स यूज होती हैं जस्ट वो उनको ही ऑक्यूपाई करता है, वो आपकी अदर देन ये वाली जो बिट्स जो के 50 आपने लिमिट दी है उसके अकॉर्डिंग वो बाकी की जो आपकी बिट्स होंगी वो उनको ऑक्यूपाई नहीं करेगा, जस्ट वो उन बिट्स को ऑक्यूपाई करेगा जिनमें आपका नेम या कोई भी करेक्टर जो है वो प्लेस किया होगा। तो मोस्टली हम वेर कैर यूज करते हैं अपने स्ट्रिंग टाइप डेटा को एड करने के लिए और यूज करने के लिए। सो करेक्टर के लिए यहाँ पे आपके पास कैर जो है वो स्ट्रिंग टाइप 0 to 255 तक कर सकता है, लेकिन इसमें वो फिक्स्ड लेंथ तक रहता है, यानी कि वो लेंथ जो उसकी फिक्स कर दी है 50 बिट्स तक वो वही यूज करेगा, वो उससे एक आधी बिट कम या ज्यादा नहीं करेगा, चाहे वो आप 10 बिट्स तक अपना नेम जो है वो लिख दें लेकिन वो फिर भी वो 50 बिट्स से यूज करेगा। लेकिन अगर वेर कैर की बात करें तो वेर कैर जो है ये अप टू गिवन लेंथ यूज कर लेता है अपने करेक्टर्स को स्टोर करने के लिए, यानी कि अगर आपने लेंथ जो है आपके करेक्टर की वो 5 अल्फाबेट्स तक है तो ये 5 बिट्स से यूज करेगा, अगर 7 अल्फाबेट्स है तो 7 बिट्स ही यूज करेगा, ये उससे ज्यादा बिट्स को ऑक्यूपाई नहीं करेगा। सो मोस्टली हम वेर कैर यूज करते हैं। इसके बाद आती है जी ब्लॉब डेटा टाइप। ब्लॉब डेटा टाइप क्या है, अब ब्लॉब डेटा टाइप जो है ये स्ट्रिंग फ्रॉम 0 to 6 55 35 करेक्टर लिमिट तक यूज करती है एंड कैन स्टोर बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट्स, ये जो करेक्टर्स है उनको स्ट्रिंग्स को बाइनरी ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में स्टोर करती है। बाइनरी ऑब्जेक्ट्स क्या है, आपके 0 और 1 को यूज करके, यानी कि ये जो बाइनरी कन्वर्जन के बाद इसको डेटा को स्टोर करती है। नेक्स्ट इज इंट। इंट जो होता है वो इंटीजर से रिलेटेड है, इंटीजर जो हम नंबर्स यूज करते हैं जिनमें आपके पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, तो इंटीजर में आपके नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स जो हैं वो अगर हम -2 से 648 तक जाएं या 2 से 647 तक जाएं तो हम उनको यूज कर सकते हैं, तो इसके लिए हम INT लिख के यूज करते हैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। इंट की आगे डिफरेंट फॉर्म है, टाइनी इंट है, मीडियम इंट है, बिग इंट है। टाइनी इंट क्या है जी, टाइनी इंट जो है वो -128 से 127 इंटीजर्स को यूज करता है, यानी कि अगर आपके पास एक नंबर लाइन है और यहाँ से -128 जा रहा है और यहाँ पे 0 है और पॉजिटिव तक 127 तक ये नंबर्स को यूज कर सकता है डेटा को शो करने के लिए और डेटा को स्टोर करने के लिए। इसके बाद बिग इंट। बिग इंट में आपके पास इंटीजर्स होते हैं जो कि इसकी ग्रेटर लिमिट होती है और इसको आप बिग इंट से यूज करते हैं। नेक्स्ट है जी बिट सिस्टम। बिट सिस्टम क्या है जी, बिट आपका एक्स बिट वैल्यू की फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है। डेटा को स्टोर करने के लिए बिट 2 क्या है, अगर आप बिट 1 लिखते हैं इसका मतलब ये है कि आपका डेटा जस्ट सिंगल बिट की फॉर्म में स्टोर किया जाएगा, या तो आप 0 से स्टोर कर सकते हैं या 1 से, ये नहीं हो सकता कि आप 0 और 1 दोनों को सेम टाइम पे स्टोर कर सकें। अगर आप बिट 2 करते हैं इसका मतलब ये है कि आप डेटा को 0 और 1 इन दोनों की फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं, या 0 1 हो सकता है या 1 0 हो सकता है। इसके बाद फ्लोट है। फ्लोट सिस्टम होता है आपका डेसिमल नंबर सिस्टम। अगर आप किसी भी नंबर को स्टोर करवाना चाहते हैं, लेट्स सपोज आप 12.9 को स्टोर करवाना चाहते हैं, तो इस डेसिमल की वजह से आप फ्लोट लिखेंगे और फ्लोट को जो नंबर सिस्टम है डेसिमल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग आप 23 डिजिट्स तक, प्रिसाइज 23 डिजिट्स तक जो है वो स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है जी आपका डबल। डबल क्या है, अगर आप 24 से ग्रेटर जो डेसिमल नंबर है, 24 डिजिट से ग्रेटर डेसिमल नंबर आप यानी कि 24 to 53 डिजिट्स तक है, तो आप उनको डबल को यूज करते हुए स्टोर करवा सकते हैं। नेक्स्ट है जी बुलियन। बुलियन क्या है, बुलियन वैल्यूज होती है हमारे पास 0 एंड 1, आप बुलियन वैल्यूज को भी यूज कर सकते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए, लेकिन यहां पे हम बुलियन को एज इट इज नहीं यूज करते, हम बुलियन को स्टोर करने के लिए हम टाइनी इंट डेटा सेट यूज करते हैं। टाइनी इंट डेटा सेट यूज किया जाता है जो डेटा टाइप का। उसके बाद आती है जी डेट फॉर्मेट। आपके पास ईयर 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 मंथ और डेट डेट के हवाले से हम डेट को स्टोर कर सकते हैं और यहां पे डेट की है ये यूजेज हम डेट लिख के करते हैं। टाइम के लिए आवर्स मिनट्स और सेकंड्स के हवाले से हम टाइम लिख के हम यूज करते हैं एंड सेम लाइक ईयर। हम इस तरीके से ये जो डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं हम इनको यूज करके अपने डेटा को स्टोर करवा सकते हैं।
अब बात आती है कि एसक्यूएल डेटा टाइप में कौन कौन सा डेटा टाइप होता है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइंस दो टाइप्स हैं, जिसमें एक साइंड डेटा टाइप है और एक अनसाइंड डेटा टाइप है। समटाइम्स आपके पास डेटा टाइप जो इंटीजर की फॉर्म में होता है, वो इंटीजर की फॉर्म में डेटा या फ्लोट की फॉर्म में डेटा, या वो आपके पास जो डेटा टाइप है उसमें आप नंबर्स को यूज करते हैं, इंटीजर्स को यूज करते हैं। इंटीजर्स को यूज करते हुए आपके पास समटाइम्स पॉजिटिव वैल्यूज भी आती हैं और नेगेटिव वैल्यूज भी आती हैं, लेकिन समटाइम्स जस्ट आपके पास पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं जो कि आप यूज करके डेटा टाइप को स्टोर करते हैं। तो डेटाबेस में जो डेटा टाइप को आप पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज को यूज करते हुए स्टोर करते हैं, उसको हम बोलते हैं साइंड डेटा टाइप। और जो आपके पास जस्ट पॉजिटिव वैल्यूज वाला डेटा टाइप होता है, उसको हम अनसाइंड डेटा टाइप बोलते हैं, जिसमें आपके पास साइंड डेटा टाइप की जो कुछ एग्जांपल्स हैं वो इस तरीके के हैं कि टाइनी इंट जो है वो -128 से 127 तक अगर आए तो यहाँ पे ये नेगेटिव वैल्यूज भी हैं और ये पॉजिटिव वैल्यूज भी हैं। तो नेगेटिव और पॉजिटिव की वजह से ये साइंड डेटा टाइप है। स्मॉल इंट में ये आपके पास नेगेटिव से पॉजिटिव दोनों वैल्यूज आ रही है, तो ये भी आपके पास साइन डेटा टाइप है। मीडियम इंट में अगर आप देख लें तो ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज और सेम इसी तरीके से इंटीजर जो है, इंट जो है, इसमें भी आपकी नेगेटिव टू पॉजिटिव तमाम वैल्यूज आ रही है, इसलिए आप इसको साइन डेटा टाइप बोलते हैं। तो अनसाइन डेटा टाइप में आपके पास जस्ट पॉजिटिव वैल्यूज आती है। अगर आप टाइनी इंट की 0 से 255 तक देखें, स्मॉल इंट की 0 टू 65535 तक, और मीडियम इंट 16777215 तक देखें, और इंट की 0 टू 42949496725 तक अगर आप वैल्यूज देखें, तो ये आपके पास पॉजिटिव साइन वाली वैल्यू है, सो इनको हम अनसाइंड डेटा टाइप बोलते हैं। तो ये हमारी बेसिक दो डेटा टाइप्स हैं जो कि MySQL वर्क बेंच में डेटा टाइप को स्टोर करने के लिए यूज होती है। अब हम बात करेंगे एसक्यूएल की कमांड से रिलेटेड, जो हम डिफरेंट कमांड्स को यूज करते हैं अपने MySQL के वर्क बेंच में डेटा को स्टोर करवाने के। तो उसमें जो सबसे पहली जो कमांड है वो है DDL। DDL जो होती है वो है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अब ये डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या है? डेटा को डिफाइन करने वाली कोई लैंग्वेज। अब डेटा को डिफाइन कैसे किया जाता है? जब आप डेटा को क्रिएट करते हैं, क्रिएट करके उसको अल्टर करना चाहते हैं, डेटा को रीनेम करना चाहते हैं, ट्रंकेट या ड्रॉप या डिलीट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जो एसक्यूएल की कमांड की जरूरत होती है, दैट इज DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। यानी कि आप डेटाबेस को जब क्रिएट करते हैं तो उसके लिए जो आपको कमांड की जरूरत होती है वो कमांड है DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। सेकेंड वन इज डेटा क्वेरी लैंग्वेज, DQL। अब ये डेटा क्वेरी लैंग्वेज क्या है? ये किसी भी डेटाबेस को सिलेक्ट करने के लिए, किसी भी डेटा को सिलेक्ट करने के लिए जो आप कमांड यूज करते हैं, दैट इज DQL। नेक्स्ट वन इज DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अब डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का क्या मतलब है? मैनिपुलेट करने का मतलब होता है चेंज करना, अपडेट करना, अपग्रेड करना। तो उस हवाले से अगर आपके पास कोई पहले से डेटाबेस मौजूद है, आप उसमें कोई डेटा इंसर्ट करना चाह रहे हैं, कोई अपडेट करना चाह रहे हैं अपने डेटाबेस में, या अपने डेटाबेस को डिलीट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए कमांड की जरूरत होती है आपको, वो है DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। मैनिपुलेट का मतलब होता है चेंज करना, अपडेट करना, अपग्रेड करना। नेक्स्ट वन इज DCL। DCL है जी डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। ये डेटा को कंट्रोल करता है। कंट्रोल करने का मतलब यहाँ पे आप जो कोई भी आप स्पेसिफिक टेबल को यूज करने के लिए किसी को परमिशन देते हैं या रिवोक करते हैं परमिशन, तो यूजर को ये जो परमिशन रिवोक या ग्रांट की जाती है वो जिस कमांड के जरिए दी जाती है, दैट इज DCL, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। यानी कि इसकी एक बेस्ट एग्जांपल ये है कि अगर आप कोई भी एक डेटा सेट जो है किसी भी कंपनी में या किसी इंडस्ट्री में आप कंबाइन यूज कर रहे हैं, और आप एज ए मैनेजर आप ये चाहते हैं कि आपका कोई स्पेसिफिक टेबल है जिसको जस्ट आप कोई स्पेसिफिक यूजर के साथ शेयर करना चाह रहे हैं, लेकिन आप ये चाहते हैं कि उसमें से कोई स्पेसिफिक टेबल को या कोई स्पेसिफिक टेबल के किसी स्कीमा को आप उसके साथ नहीं शेयर करना चाहते, तो स्कीमा से आप परमिशन जो होती है यूजर को देखने की वो आप रिवोक कर देते हैं। तो वो यूजर जो होता है वो उस स्कीमा को जिससे आपने परमिशन को रिवोक किया होता है वो उस स्कीमा को नहीं देख सकता या उसको यूज नहीं कर सकता। तो डेटा सेट को आप यूजर को यूज करने के लिए जो परमिशन देते हैं या परमिशन से रोकते हैं वो उसके लिए जो कमांड यूज करते हैं, दैट इज DCL, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। एंड लास्ट वन इज TCL, ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज क्या है कि मतलब आपके एक वेब पेज है, आप उसके हवाले से जिसको आप एक वेब पेज को या आप अपनी वेबसाइट को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, और वहां से आपकी जो ट्रांजेक्शन की हिस्ट्री है वो कमिट और रोल बैक जो है, ये कुछ थोड़े एडवांस ऑप्शन है, आप इनको जो है वो कंट्रोल करना चाह रहे हैं, तो वो आपके ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज की जो कमांड है TCL, उसके जरिए से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली जो हम देखने वाले हैं वो तीन कमांड्स हैं, जिसमें DDL, DQL और DML है। ये जो DCL और TCL है, ये दोनों कमांड्स जो हैं वो थोड़ी सी एडवांस है, सो हम इनको वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे, लेकिन DCL और TCL जो है इनके बारे में हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट, जस्ट फोकस ऑन दीज थ्री मेजर कमांड्स हैं इन पे, और इनकी आप प्रैक्टिस करें ताकि आप इस पे अबूर हासिल कर सकें। अब हम बात करेंगे डेटाबेस रिलेटेड क्वेरीज के बारे में। डेटाबेस रिलेटेड क्वेरीज क्या है कि अगर आप डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड आप किस तरीके से
जो क्वेरीज हैं उनको रन कर सकते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं कि क्रिएट डेटाबेस वाली क्वेरी हम कैसे रन करते हैं। क्रिएट डेटाबेस लिख के डेटाबेस का नेम देते हैं और सेमी कॉलन लगाते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं, तो हमारी वो डेटाबेस क्रिएट हो जाती है। अब यहाँ पे हम एक और कंडीशन अप्लाई कर देते हैं, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नेम देके और उससे पहले हम लिख देते हैं इफ नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब ये है कि डेटाबेस क्रिएट करें अगर इस नेम की डेटाबेस एग्जिस्ट नहीं करती। यहाँ पे ये होगा, ये कोड रन करने से, ये कमांड रन करने से, ये क्वेरी रन करने से क्या होगा कि अगर आपकी इस नेम की डेटाबेस, जो आप स्पेसिफिक नेम की डेटाबेस क्रिएट करना चाह रहे हैं, अगर उस नेम की डेटाबेस नहीं होगी तो क्रिएट होगी इस आपके एमएस माई एसक्यूएल के वर्क बेंच में। अगर आपकी ये डेटाबेस नाम की डेटाबेस पहले से क्रिएट हुई होगी तो वो आपको वार्निंग दे देगा। और इसी तरीके से ड्रॉप डेटाबेस है, ड्रॉप डेटाबेस में क्या होता है कि आप ये भी देख चुके हैं कि किसी भी डेटाबेस को कैसे ड्रॉप करते हैं। ड्रॉप डेटाबेस लिख के उसका नेम देते हैं और सेमी कॉलन लगा के आप एग्जीक्यूट करते हैं तो वो ड्रॉप हो जाती है। और इसी तरीके से अगर आप ड्रॉप डेटाबेस करना चाहते हैं तो आप कर देंगे कि वो डेटाबेस ड्रॉप करनी है जिसका नेम है ये वाला जो आपने स्पेसिफाई किया है, इफ एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करती हुई। तो इससे कैसे जो है डेटाबेसेस जो हैं वो क्रिएट और डिलीट होती हैं, हम ये भी माई एसक्यूएल के वर्कबेंच पे चेक करते हैं। यहां पे मैं क्रिएट करता हूं जी क्रिएट डेटाबेस। अगर मैं यहां पे कोई ऐसे नाम की किसी कंपनी के नेम से जो है वो क्रिएट कर लेता हूं कंपनी, और मैं इसको करता हूं एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट करने पे ये मुझे यहां पे क्रिएट कर दे। यहां पे मैं लिखता हूं जी क्रिएट डेटाबेस, इफ नॉट नेम होना चाहिए जी कंपनी सेमी कॉलन, और मैं इसको अब एग्जीक्यूट करता हूं। एग्जीक्यूट करता हूं तो यहाँ पे मुझे अब ये मुझे वार्निंग दे रहा है। क्यों वार्निंग दे रहा है? क्योंकि यहाँ पे मैं पहले कर चुका हूँ क्रिएट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रिएट डेटाबेस इफ नॉट एग्जिस्ट लिख के कंपनी के नाम से अगर हम दोबारा से डेटाबेस क्रिएट करना चाहेंगे तो चूंकि पहले क्रिएट कर चुका है इसलिए ये डेटाबेस जो है वो क्रिएट नहीं होगी। अब इसी तरीके से यहाँ पे अगर मैं ड्रॉप डेटाबेस करूँ, ड्रॉप डेटाबेस कंपनी, तो ये तो डिलीट हो जाएगी। यहाँ पे इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, एग्जीक्यूट करने पे यहाँ पे ड्रॉप डेटाबेस होगी। अब यहाँ पे अगर मैं लिखूँ ड्रॉप डेटाबेस, ड्रॉप डेटाबेस इफ एग्जिस्ट, डेटाबेस है जी कंपनी के नाम से सेमी कॉलन, अब मैं इसको करता हूँ एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट करने पे ये यहाँ पे मुझे वार्निंग दे रहा। वार्निंग क्यों दे रहा है? कि इसलिए दे रहा है डेटाबेस जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। यहां पे अगर हम देखें तो वार्निंग इसलिए दे रहा है कि ये कह रहा है कैन नॉट ड्रॉप डेटाबेस बिकॉज डेटाबेस डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस तरीके से हम डेटाबेस को क्रिएट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। अब यहां पे अगर मैं शो करवाना चाहूं जितनी भी डेटाबेसेस क्रिएट की हैं, तो यहां पे मैं लिखूंगा शो डेटाबेसेस सेमीकॉलन, और इसको मैं यहां से एग्जीक्यूट करवाता हूं तो ये मुझे डेटाबेस शो कर देगा। कॉलेज के नाम से ये डेटाबेस और इन्फॉर्मेशन स्कीमा है, MySQL है, परफॉर्मेंस स्कीमा है, सिस्टमैटिक कॉन्फ़िगरेशन का एक डेटाबेस है। सो हमने जो क्रिएट किया वो है डेटाबेस कॉलेज के नाम से, बाकी जो है वो सिस्टम की इंटरनल जो है डेटाबेसिस है। तो यहाँ पे हमें इससे रिलेटेड जो है डेटाबेसिस जितनी भी क्रिएट की हुई है वो सारी की सारी शो करवा देगा। तो मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे कहूँ शो टेबल्स, जितने भी टेबल्स क्रिएट किए हैं, इसको मैं अब यहां से सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करवाता हूं तो मुझे ये टेबल्स जो हैं वो शो करवा देगा। अब इन टेबल्स में यहां पे जस्ट हमारे पास कॉलेज के डेटाबेस में स्टूडेंट के नाम का एक टेबल क्रिएट किया था जिसमें हमने ये वाली वैल्यू जो थी वो इंसर्ट की थी। तो ये हमारे पास जो टेबल आएगा वो यहाँ पे शो टेबल्स करने से एग्जीक्यूट होके शो हो जाएगा। अब हम बात करेंगे टेबल रिलेटेड क्वेरीज के बारे में। टेबल रिलेटेड क्वेरीज के बारे में सबसे पहले जो है वो क्रिएट टेबल वाली क्वेरी है। क्रिएट आप किस तरीके से करते हैं, सबसे पहले आपने इस चीज को जहन में रखना है कि जो आप टेबल क्रिएट करते हैं उसमें क्रिएट वाला जो ऑप्शन है वो आपको इस चीज में हेल्प करता है कि आप अपने टेबल को कैसे डिजाइन करते हैं, टेबल डिजाइन के बारे में। और टेबल का डिजाइन जो होता है इसका मतलब आपके कॉलम्स क्या हों, और कॉलम्स का मतलब ये है कि आप अपना स्कीमा क्या डिफाइन करना चाहते हैं, क्योंकि MySQL में स्कीमा जो है वो कॉलम्स को स्कीमा से डिफाइन किया जाता है। लेट्स सपोज आप एक डेटाबेस क्रिएट करना चाह रहे हैं जिसमें आप स्टूडेंट्स के नाम से एक डेटाबेस क्रिएट करना चाह रहे हैं और उसमें आप लिखना चाह रहे हैं आईडी और उनसे रिलेटेड नेम। अब आईडी और नेम जो आपने लिखने हैं ये आपका एक कॉलम और ये आपका दूसरा कॉलम हो जाएगा। इन दोनों कॉलम्स में आईडी
आईडी और नेम आए। अब आईडी जो होती है वो आपकी होती है इंटीजर की फॉर्म में, और नेम जो होता है वो हम बात कर चुके हैं कि इसको हम वेर कैर की फॉर्मेट में यूज करते हैं। डेटा टाइप जो है हमारी वेर कैर। तो हम किस तरीके से स्कीमा को डिफाइन करेंगे, उसके लिए हम लिखेंगे क्रिएट टेबल, और क्रिएट टेबल में टेबल का नाम देंगे, कोई भी नेम हो सकता है, जैसे हमने स्टूडेंट नेम लिखना है, कॉलम का नेम देंगे, उसके बाद डेटा टाइप लिखेंगे और कंस्ट्रेंट लिखेंगे। कंस्ट्रेंट क्या है डिस्कस करेंगे डिटेल में, बस अभी के लिए ये समझे कि कंस्ट्रेंट जो होता है वो कोई आप स्पेसिफिक कंडीशन किसी भी डेटा टाइप पे अप्लाई करना चाहते हैं उसको डिफाइन करने के लिए यूज होता है। सेम लाइक कॉलम नेम टू डेटा टाइप एंड कंस्ट्रेंट। तो इस तरीके से हल जो है वो क्रिएट करेंगे। बेसिकली टेबल क्रिएट करने का मकसद ये है कि आप अपना स्कीमा क्या डिफाइन करते हैं। देखते हैं MySQL Workbench। अब यहां पे मैं क्रिएट करता हूं जी न्यू टेबल, क्रिएट टेबल। टेबल का नेम रखना है जी स्टूडेंट, एंटर। और फर्स्ट हमारा जो कॉलम है वो किसका होना चाहिए, आईडी से रिलेटेड, और आईडी के लिए इंट होगा हमारा डेटा टाइप, और इसमें हम देंगे जी कंस्ट्रेंट प्राइमरी की, कॉमा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नेम, नेम के लिए आ जाएगा जी वेर कैर, और कंस्ट्रेंट यहाँ पे हम दे देंगे जी 50, और यहाँ पे एंटर, ब्रैकेट क्लोज एंड सेमी कॉलन। और मैं इसको अब एग्जीक्यूट करता हूँ, यहाँ से एग्जीक्यूट करने पे मुझे यहाँ पे कहता है जी क्रिएट टेबल स्टूडेंट जो है वो क्रिएट किया है। अब यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, क्रिएट टेबल में स्टूडेंट के नाम का टेबल जो है वो कॉलम अगर हम देखेंगे तो क्रिएट हो। अब हमने ये जो टेबल क्रिएट किया हुआ है स्टूडेंट के नाम से, हम इसको शो करवाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जी सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट सेमी कॉलन। और अगर मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ से एग्जीक्यूट करता हूँ, तो एग्जीक्यूट करने पे यहाँ पे मुझे दो कॉलम शो होते हैं। तो ये हमारा जो टेबल है वो हमने जो क्रिएट किया है ये कमांड्स देके, इस तरीके से हम उसको सेलेक्ट करके और व्यू कर सकते हैं कि इस टेबल में कौन कौन से कॉलम्स हैं। अब हम ये देखते हैं कि हम यहाँ पे सेलेक्ट एंड व्यू कमांड को कैसे यूज करते हैं। सेलेक्ट एंड व्यू फॉर ऑल कॉलम, हमने क्या करना है, क्योंकि हम टेबल क्रिएट कर चुके हैं और टेबल के जो क्रिएट किए हुए कॉलम्स हैं, स्कीमास जो हमने डिफाइन कर दिए हैं, हम उसको चेक करना चाह रहे हैं। उसके लिए हम लिखेंगे सेलेक्ट आर मीन्स फॉर ऑल, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल नेम, हमने टेबल का नेम दे देना है। जैसे कि अब हमने टेबल क्रिएट किया हुआ स्टूडेंट के नेम से, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट आर फ्रॉम स्टूडेंट, तो हमें आउटपुट में वो रिजल्ट शो कर देगा कि आपने कौन कौन से जो स्कीमास हैं वो डिफाइन किए हैं, यानी कौन कौन से कॉलम्स जो हैं वो आपने स्टूडेंट नेम के टेबल में क्रिएट किए हुए हैं। चलते हैं माई एसक्यूएल की वर्कबेंच, इस तरीके से हम सिलेक्ट व्यू कर सकते हैं तमाम कॉलम्स को जो हमने टेबल में क्रिएट किए हैं। अब हमने ये जो टेबल क्रिएट किया हुआ स्टूडेंट के नाम से, हम इसको शो करवाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जी सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट सेमी कॉलन। और अगर मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ से एग्जीक्यूट करता हूँ, तो एग्जीक्यूट करने पे यहाँ पे मुझे दो कॉलम शो होते हैं। तो ये हमारा जो टेबल है वो हमने जो क्रिएट किया है ये कमांड्स देके, इस तरीके से हम उसको सिलेक्ट करके और व्यू कर सकते हैं इस टेबल में कौन कौन से कॉलम्स हैं। जैसे टेबल क्रिएट किया हुआ है जिसमें हमने पहले से स्कीमा डिफाइन कर दिया है, उसमें अब हम वैल्यूज जो ऐड करना चाह रहे हैं, वैल्यूज ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू, इंसर्ट लिखने के बाद टेबल नेम, और टेबल नेम देने के बाद यहाँ पे हम लिख देंगे कि कॉलम वन कौन सा हो और कॉलम टू कौन सा है। यानी कि जैसे हमने यहाँ पे टेबल बना लिया है जिसमें पहला कॉलम है आईडी का एंड सेकंड वन इज ऑफ नेम्स कॉलम, तो हम यहाँ पे कॉलम वन की जगह पे आईडी लिख देंगे, कॉलम टू की जगह पे नेम लिख देंगे, और वैल्यूज हम क्या ऐड करना चाहते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ 1001 फॉर हसन, 1002 फॉर अहमद। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉलम वन की वैल्यू वन जो है यहाँ पे आईडी से रिलेटेड है, तो हम वैल्यू वन लिख देंगे यहाँ पे 1001, और कॉलम टू की वैल्यू वन, ये कॉलम टू है, इसकी वैल्यू वन क्या होगी, ये हमारी होगी ये नेम ऑफ स्टूडेंट। इसी तरीके से कॉलम वन की वैल्यू टू जो होगी वो कॉलम वन की वैल्यू टू हमारा स्टूडेंट का आईडी होगा सेकेंड वाला, और कॉलम टू की वैल्यू टू हमारी होगी अहमद नेम जो कि नेम ऑफ स्टूडेंट है। तो हम देखते हैं माई एसक्यूएल वर्क बेंच में कि इसको कैसे एग्जीक्यूट करें। अब हम यहाँ पे स्टूडेंट नेम का जो टेबल क्रिएट किया है उसमें वैल्यूज इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू इनटू टेबल नेम स्टूडेंट एंटर, ब्रैकेट में पहले हम लिखेंगे कॉलम वन और फिर कॉलम टू, कॉलम वन इज फॉर आईडी एंड कॉलम नेम टू जो है वो होगा हमारा नेम्स का। अब यहाँ पे एंटर, यहाँ पे अब आएगा जी हमारे पास वैल्यूज, वैल्यूज क्या देना चाहते हैं जी, हम यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू, वैल्यू आएगी जी आईडी में 1001 और नेम
कॉमा एंटर, वैल्यू आएगी जी 1002 कॉमा डबल कोटेशन कॉमा डबल कोटेशन ब्रैकेट क्लोज एंड सेमी कॉलन। और अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पे एग्जीक्यूट करने पे मुझे नीचे शो हो जाएगी इंसर्ट हो गई है वैल्यू यहाँ। तो इसको हम चेक करने के लिए यहाँ से रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे कॉलम में जाते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं जी सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट सेमी कॉलन। और अगर मैं अब इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो इसको एग्जीक्यूट करने पे मुझे ये कॉल टेबल शो होता है जिसमें हमने ये दोनों वैल्यूज ऐड की। तो इस तरीके से हम अपनी क्रिएट की हुई टेबल में वैल्यूज को इंसर्ट करते हैं। एसक्यूएल में कीज क्या होती है? कीज बेसिकली आपके एक लिंक को शो करती हैं। आपने जो डिफरेंट टेबल्स में डेटाबेस जो क्रिएट किया है उस डेटाबेस का एक दूसरे टेबल्स के साथ जो लिंक होता है उसको शो करती है। प्राइमरी की क्या है? इट इज अ कॉलम और सेट ऑफ कॉलम्स। ये कॉलम भी हो सकता है और सेट ऑफ डिफरेंट कॉलम्स भी हो सकते हैं किसी भी टेबल में। दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रो, जो के यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं आपके टेबल में मौजूद हर रो को। यानी कि ये आपका वो कॉलम हो सकता है या सेट ऑफ कॉलम हो सकता है जिसमें आपके डेटा सेट से रिलेटेड ऐसी वैल्यूज हो या ऐसा डेटा मौजूद हो जिसकी बेस पे पूरे टेबल का डेटा सेट जो होता है वो आपका यूनिक हो जाता है इस कॉलम की बेस पे। इट मींस कि एक तो ये आपका यूनिक होती हैं वैल्यूज इस कॉलम में, एंड देयर इज ओनली वन प्राइमरी की एंड इट शुड नॉट बी नल। यानी कि आपकी प्राइमरी की जो होती है वो जस्ट एक ही की हो सकती है, एक से ज्यादा प्राइमरी की नहीं होती। आपकी प्राइमरी की नॉट नल नहीं हो सकती। इसकी बेस्ट एग्जांपल ये हो सकती है कि आपने एक स्टूडेंट टेबल बनाया है में आईडीज और नेम्स लिखे हुए हैं। अब ये हो सकता है कि नेम जो है वो स्टूडेंट के सेम हो सकते हैं, यानी एक क्लास में दो अहमद हो सकते हैं, एक स्कूल में एक से ज्यादा अहमद हो सकते हैं, लेकिन उन अहमद की आईडी जो होगी वो डिफरेंट होगी थ्रू आउट स्कूल में जब तक वो रहेंगे। तो ये आईडी जो होगी एक तो ये यूनिक होगी और दूसरा आईडी हर स्टूडेंट की सेपरेट मौजूद होगी लाजमी, ऐसा नहीं होगा कि वो नल हो। तो आईडी नॉट नल होगी। तो हमारे पास ये टेबल जो है बेस्ट एग्जाम्पल है प्राइमरी की से रिलेटेड। इसके बाद आ जाती है फॉरन की। फॉरन की क्या होती है? फॉरन की इज अ कॉलम और सेट ऑफ कॉलम, ये भी कॉलम या सेट ऑफ कॉलम हो सकता है, इन अ टेबल दैट रेफर्स टू द प्राइमरी की इन एन अदर टेबल। फॉरन की आपके पास एक कॉलम या सेट ऑफ कॉलम हो सकता है जिसमें आपने जो टेबल क्रिएट किया है उसमें कोई कॉलम या सेट ऑफ कॉलम जो हम रेफर कर रहे हैं वो किसी दूसरे टेबल से लिया गया होगा। ये हमने स्टूडेंट टेबल बनाया था जिसमें हमने आईडी और नेम लिखे थे, ये था स्टूडेंट टेबल। अब यहां पे मैं एक और टेबल क्रिएट करता हूं, इसको मैं किसी और कलर से क्रिएट करता हूं। लेट्स सपोज यहां पे मैं एक टेबल क्रिएट करता हूं जिसमें हम फी स्ट्रक्चर रखेंगे, यानी कि यहां पे आ जाएगी आईडीज और यहां पे आपकी क्लास वाइज फी आ जाएगी। तो आप क्या करते हैं, यहां पे थी हमारी आईडी 1001 1002, तो इसी तरीके से यहां पे हमारी आईडी आ जाएगी 101 1002। यहां पे हमारी ये आईडीज जो थी वो एज प्राइमरी की थी, लेकिन यहां पे 1001 और 1002 जो है ये कॉलम जो है ये लिया गया है स्टूडेंट टेबल से। यहां पे ये हमारी प्राइमरी की है, फी स्ट्रक्चर वाला एक टेबल है, इसमें ये जो आईडी होगी वो इस टेबल से लेने की वजह से यहां पे ये फॉरन की कहलाई जाए। फॉरन कीज जो है वो मल्टीपल हो सकती हैं, यानी एक से ज्यादा भी हो सकती हैं और इनमें डुप्लीकेट वैल्यूज भी हो सकती हैं और इनमें नल वैल्यूज भी हो सकती हैं। यहां पे आपके पास प्राइमरी की जो होती हैं वो आपकी इंडिविजुअल यूनिक और नॉट नल वैल्यूज। प्राइमरी की जो होती हैं वो आपके पास ऐसे कॉलम्स या सेट ऑफ कॉलम्स होते हैं जिनमें ऐसा डेटा होता है जो कोई यूनिक और नॉट नल होता है, और फॉरन कीज आपके पास किसी टेबल में ऐसे सेट ऑफ कॉलम्स या कॉलम होते हैं जिनको किसी दूसरे टेबल से लिंक किया होता है। अब हम बात करते हैं कंस्ट्रेंट्स के बारे में। कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं? कंस्ट्रेंट्स आप जब किसी भी डेटा टेबल में डेटा ऐड करते हैं तो उनके कॉलम में जब वैल्यूज ऐड करते हुए आप कोई स्पेसिफिक रूल या कोई स्पेसिफिक सिचुएशन जो है आप अप्लाई कर देते हैं अपने डेटा से रिलेटेड, तो वो स्पेसिफिक सिचुएशन या स्पेसिफाई करदा रूल जो होता है उसको हम कंस्ट्रेंट बोलते हैं। हमारे पास बहुत सी डिफरेंट टाइप्स के कंस्ट्रेंट्स हैं, बट हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और ज्यादा यूज होने वाले हमारे कंस्ट्रेंट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। नॉट नल कंस्ट्रेंट क्या है? नॉट नल कंस्ट्रेंट एक ऐसा कंस्ट्रेंट है जब आप इसको किसी भी कॉलम में ऐड कर देते हैं या आप अपने डेटा टेबल में ये स्पेसिफाई कर देते हैं कि आपकी वैल्यू जो है उस कॉलम में नॉट नल होनी चाहिए, उसका मतलब ये होता है कि कोई भी उस कॉलम में ऐसा सेल नहीं होना चाहिए या ऐसी फील्ड नहीं होनी चाहिए जिसमें आपका जो आंसर है या आपकी वो वैल्यू है वो ऐड ना की गई हो। यानी कि अगर आपका एक स्टूडेंट टेबल है जिसमें आपने यहां पे आईडीज लिखी हुई हैं
और स्टूडेंट के नेम्स हैं, तो आपका जो आईडी वाला कॉलम है उसमें कोई भी फील्ड ऐसी ना हो अगर आप आईडी वाले कॉलम में कंस्ट्रेंट यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कहता हूँ कि आईडी वाला एक कॉलम है जिसमें एक इंटीजर वाला आप डेटा ऐड करना चाहते हो और डेटा का कंस्ट्रेंट क्या लगाया है आपने, नॉट नल। तो इसका मतलब ये होगा कि आईडी वाले कॉलम में आपकी कोई भी फील्ड जो है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसमें आपकी वैल्यू जो है वो ऐड ना हो। नेम्स जो है आप ऐड करें या ना करें डजंट मैटर, लेकिन अगर आपने इसमें ये ऐड किया हुआ है कि आपका यहाँ पे कंस्ट्रेंट जो है वो नॉट नल का आए, तो नॉट नल कंस्ट्रेंट क्या डिफाइन करेगा कि आपके इस आईडी वाले कॉलम में हर सेल में हर फील्ड में वैल्यू मौजूद है। उसके बाद आता है यूनिक कंस्ट्रेंट। यूनिक कंस्ट्रेंट क्या होता है? यूनिक कंस्ट्रेंट एक ऐसा कंस्ट्रेंट है जो कि आपकी डिफरेंट वैल्यूज को डिफाइन करता है। अब यहां पे हम इसी टेबल को अगर देख लें, तो यहां पे आपकी एक अगर आपने स्टूडेंट टेबल क्रिएट किया हुआ है, तो स्टूडेंट टेबल में आपके पास यहां पे स्टूडेंट की आईडीज और नेम्स हैं। आपका फॉर एग्जांपल यहां पे एक स्टूडेंट का नेम है अहमद, दूसरे का हसन है और तीसरे का फिर अहमद आ जाता है। अब इस कंडीशन में आपके पास एक क्लास में दो स्टूडेंट्स के नेम अहमद हैं, लेकिन ये आप जब आईडीज में यूनिक का कंस्ट्रेंट यूज कर देंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि आपके स्टूडेंट टेबल में जो नेम वाले कॉलम में वैल्यूज हैं वो डुप्लीकेट होती हैं, हो जाए नहीं होती ना हो वो मैटर नहीं करती, लेकिन आपके इस स्टूडेंट टेबल में आईडी वाले कॉलम में जो वैल्यूज हों वो यूनिक होनी चाहिए, सारी वो सेम नहीं होनी चाहिए। अब इसमें फॉर एग्जांपल अगर मैं कह दूं 101 102 इसका है और ये 103 इसका आईडी नंबर है, तो ये 103 और ये 102 यहां पे हमारे पास ये जो दोनों आईडीज होंगी इनके अगेंस्ट सेम नेम होने की वजह से, लेकिन यूनिक आईडीज होने की वजह से हम इस डेटा को डिफरेंशिएट कर सकेंगे। इसके बाद आता है प्राइमरी की कंस्ट्रेंट। प्राइमरी की कंस्ट्रेंट क्या है? प्राइमरी की कंस्ट्रेंट एक ऐसा कंस्ट्रेंट है जब आप इसको किसी स्पेसिफिक कॉलम में डेटा ऐड करते हुए यूज करते हैं, तो प्राइमरी की होने की वजह से ये आपके उस कॉलम की वैल्यूज को नॉट नल और यूनिक सेम टाइम पे बना देता है। क्योंकि हम प्राइमरी की में पढ़ चुके हैं कि प्राइमरी की जो होती है एट द सेम टाइम वो यूनिक भी होती है और वो नॉट नल वैल्यूज भी इंक्लूड होती हैं उसमें। उसमें जो नॉट नल वैल्यूज इंक्लूड होती हैं, इसका मतलब ये होता है कि आपके उस कॉलम में सारी वैल्यूज जो हैं वो यूनिक हैं और वो नॉट नल हैं। अब अगर हम यहाँ पे फिर स्टूडेंट टेबल को क्रिएट करें, तो स्टूडेंट टेबल में हमारे पास आईडीज और नेम्स हैं। अब इसमें यहाँ पे नेम अहमद, हसन, सुभान और अहमद। अब यहाँ पे अगर आप इसको आईडी को प्राइमरी की कह देते हैं, तो ये भी प्राइमरी की होने की वजह से ये तो यूनिक भी होंगी और नॉट नल भी होंगी। और अगर आप आईडी और नेम वाले कॉलम को कंबाइन कह देते हैं कि ये दोनों हमारे प्राइमरी की बन जाए, तो प्राइमरी की होने की वजह से आपका ये कॉम्बिनेशन जो है वो बन जाता है प्राइमरी की। लेकिन इस सिचुएशन में ये हो सकता है कि आपका या तो नेम यूनिक होगा इसमें या आईडी यूनिक होगी, लेकिन कभी भी इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो सेम नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पे ये दोनों हमारे पास नेम और आईडी वाले ये जो दो स्टूडेंट्स हैं, इनको अगर हम देखें तो यहाँ पे इस कॉलम में आईडी डिफरेंट है और इधर भी आईडी डिफरेंट है, लेकिन नेम सेम है। तो आईडी की बेस पे ये आपका जो प्राइमरी की कंस्ट्रेंट है कॉम्बिनेशन वाला, ये प्राइमरी की कंस्ट्रेंट होने की वजह से हम डेटा को इससे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसके बाद फॉरेन की कंस्ट्रेंट आता है। फॉरेन की कंस्ट्रेंट क्या है? फॉरेन की कंस्ट्रेंट एक ऐसा कंस्ट्रेंट है जो कि दो टेबल्स को लिंक कर देता है, जिसमें एक बनाया हुआ टेबल जिसमें एक कॉलम की कीज जो है, ये कॉलम में प्राइमरी की कंस्ट्रेंट यूज किया है, वो लिंक कर देता है जब हम दूसरा टेबल क्रिएट करेंगे और उसमें हमें प्राइमरी कीज जो है पहले क्रिएट करता टेबल की को यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहां पे क्रिएट करना है कस्टमर आईडी से रिलेटेड एक टेबल, इसमें कस्टमर की आईडी और उनका नेम मेंशन है, और यहां पे मैं आईडी लिख देता हूं 401, 402, 403। इसको अगर मैंने प्राइमरी की बनाया हुआ है, अब इस प्राइमरी की को अगर मैं एक और टेबल बनाता हूं जिसमें मुझे कस्टमर की आईडी चाहिए, इसको मैं कह देता हूं टेबल टू। इस टेबल टू में मुझे कस्टमर की आईडी चाहिए और वो कस्टमर की आईडी मैं कह देता हूं कि ये जो हमारा कस्टमर का टेबल है इसमें आप ये जो प्राइमरी की बनी हुई है इसको लिंक कर दें। तो जब मैं इसको लिंक कर दूंगा यहां पे, तो ये इस टेबल में रेफरेंस होगा इसका, इस कस्टमर के टेबल की प्राइमरी की वाली जो ये आईडीज थी उनका रेफरेंस होगा। तो ये हमारी यहाँ पे फॉरेन की बन जाएगी और ये फॉरेन की जो है लिंक कर देगी इन दोनों टेबल्स को। फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल भी यही दी गई है कि हमने एक टेबल बनाया जिसमें कस्टमर की आईडी जो है वो इंटीजर फॉर्म में है और हमने इसको फॉरेन की बना दिया है कस्टमर की आईडी को रेफरेंस के तौर पे। अगर किसी दूसरे टेबल में आप कस्टमर्स की डिटेल लिखना चाहते हैं, जैसे हमने टेबल टू में लिखी है,
तो ये आपकी फॉरन की बन जाएगी। इसके बाद डिफॉल्ट हमारा कंस्ट्रेंट है। डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट क्या है? ये कैसा कंस्ट्रेंट है जो कि आपकी वैल्यूज को जो है बाय डिफॉल्ट सेट करने के लिए यूज होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप बनाते हैं एक एम्प्लॉय का टेबल, और एम्प्लॉय के टेबल में आप यहाँ पे सेट कर देते हैं आईडीज, और आईडीज के रिलेटेड जब आप सैलरी ऐड करना चाहते हैं तो वन बाय वन आपको सैलरी ऐड करते हुए काफी टाइम लगेगा। तो आप यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सेट कर देते हैं कि जब भी आप कोई भी आईडी ऐड करें तो उसके अगेंस्ट आपकी सैलरी जो है वो 25,000 बाय डिफॉल्ट ऐड हो जाए। तो जब आप यहाँ पे इंप्लॉयज की आईडी लिखते हैं, यानी कि मैं लिखता हूँ यहाँ पे 5,001, तो ये ऐड हो जाएगी हमारी इससे रेलिवेंट सैलरी 5,002। टू करता हूँ तो यहाँ पे हमारी सैलरी ऐड हो जाएगी बाय डिफॉल्ट, क्योंकि हमने ऐड किया। और इसी तरीके से जितने हम आईडीज ऐड करते जाएंगे उनके अगेंस्ट जो है वो सैलरी बाय डिफॉल्ट ऐड होती रहेगी। अब हम इसको माइस एसक्यूएल के वर्कबेंच में देखते हैं कि हम इन कंस्ट्रेंट्स को कैसे यूज करते हैं। अब हमने यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट की हुई है जो कि कॉलेज के नाम से है, और डेटाबेस को हम यूज करते हुए यहाँ पे हम एक टेबल बनाते हैं, क्रिएट टेबल टेम्प वन के नाम से, टेम्प वन के नाम से। और इसमें अब हम वैल्यू ऐड करते हैं, हमने यहाँ पे आईडी लिखनी है इंटीजर, और आईडी जो हो वो नॉट नल हो। इसको मैं एग्जीक्यूट करूँ तो यहाँ पे मेरा टेबल क्रिएट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से इसको रिफ्रेश करूँ, रिफ्रेश करके यहाँ पे टेबल वाले कॉलम में जाऊँ, तो ये मेरा टेम्प वन का टेबल जो है वो क्रिएट हो गया है। अब टेम्प वन में मैं आईडीज ऐड करता हूँ, यानी कि मैं यहाँ पे कहता हूँ इंसर्ट इनटू टेम्प वन में वैल्यूज ऐड करनी है। वैल्यूज क्या हो? वैल्यूज यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। अब देखें वैल्यूज क्या है, आईडी है, आईडी आपकी इंटीजर की फॉर्म में नॉट ना लिखा है, तो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ 1001। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट कर दूँ, ये यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब अगर मैं यहाँ पे इसी को कॉपी करके इधर नीचे पेस्ट कर दूँ, तो पेस्ट करके यहाँ पे मैं अगर इसको खाली रख के इसको मैं एग्जीक्यूट करवाऊँ तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों नहीं एग्जीक्यूट होगा? क्योंकि इसमें आपने कोई वैल्यू ऐड नहीं की। तो जब आप वैल्यू ऐड करते हैं इसी में, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 1002 और इसको मैं एग्जीक्यूट अब करवाता हूँ, तो एग्जीक्यूट करवाने पे ये हमारी जो वैल्यू है ऐड हो जाएगी। अब अगर मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश करूँ, रिफ्रेश करके यहाँ पे मैं टेम्प वन वाले टेबल में कॉलम जो है आईडी इसमें चेक करूंगा, तो ये मेरी आईडीज जो होंगी वो शो हो जाएंगी। अब अगर मैं इसको लिखता हूँ सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टेम्प वन, इसको मैं अगर एग्जीक्यूट करवाता हूँ, अब इसको एग्जीक्यूट करवाने पे मुझे वैल्यूज जो हैं यहाँ पे शो हो जाएंगी। ये जो वैल्यूज यहाँ पे हमें नजर आ रही हैं। अब यहाँ पे मैं टेबल जो टेम्प वन क्रिएट किया हुआ है इसी में मैं आईडीज को इंटीजर की बजाय मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि मुझे आईडी जो है वो यूनिक चाहिए। तो आईडी यूनिक किस तरीके से चाहिए होंगी, मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि मैं इंसर्ट करता हूँ यहाँ पे वैल्यू, इंसर्ट इनटू, इंसर्ट किस में करनी है वैल्यू मैंने टेम्प वन में, और क्या वैल्यूज इंसर्ट करनी है, वैल्यूज क्या होनी चाहिए, वैल्यूज क्या हो, वैल्यूज होनी चाहिए आईडी है तो यहाँ पे यूनिक होने की वजह से मैं 1001 ही अगर इसको कर दूं, और नेक्स्ट मैं इसी को कॉपी करूं सेम वैल्यू को और इसको मैं पेस्ट कर दूं, लेकिन यहाँ पे मैं पहले इसको एग्जीक्यूट करूं इसके अकॉर्डिंग। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ पहले टेबल को, वो कह रहा है कि टेबल पहले क्रिएट किया हुआ है। अब यहाँ पे मैं टेम्प वन की जगह इसको टेम्प टू कर देता हूँ और इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, तो ये मेरा टेम्प टू क्रिएट हो गया है। और यहाँ पे भी मैं टेम्प टू कर देता हूँ और इधर भी मैं टेम्प टू कर देता हूँ, तो इसको मैं एग्जीक्यूट करवाता हूँ, तो इसको एग्जीक्यूट करवाने पे ये मेरी वैल्यू ऐड हो जाएगी। और अगर मैं अब दूसरी वैल्यू को ऐड करवाऊंगा तो यहाँ पे ये मुझे एरर दे देगा, डुप्लीकेट एंट्री फॉर की टेम्प टू आईडी, यानी कि ये डुप्लीकेट वैल्यू है क्योंकि आपने यहाँ पे कंस्ट्रेंट यूनिक यूज किया है, इसलिए ये डुप्लीकेट वैल्यू यहाँ पे ऐड नहीं होगी। इसको अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टेम्प टू, और इसको मैं अगर एग्जीक्यूट करवाऊँ, एग्जीक्यूट करवाने पे मुझे जो वैल्यूज हैं वो जस्ट 1001 नजर आएंगी। वो इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पे कंस्ट्रेंट जो है वो यूनिक यूज किया है। अब यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ टेबल, क्रिएट टेबल, टेम्प टू क्रिएट किया हुआ, टेम्प थ्री क्रिएट कर लेते हैं। और टेम्प थ्री में मुझे ऐड करनी है, इसी टेबल में मुझे वैल्यूज ऐड करनी है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इंसर्ट इनटू टेम्प थ्री, और इसमें मुझे वैल्यूज क्या ऐड करनी है वो मैं वैल्यूज यहाँ पे ऐड करता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ आईडी मुझे ऐड करनी है इंटीजर, नेम मुझे ऐड करने हैं वेरकर, कंस्ट्रेंट इसमें 50 ऐड कर देते हैं, एज ऐड करनी है, एज डेटा टाइप इंटीजर में होती है, और मैं इसको कह देता हूँ, और उसके बाद मुझे ऐड करना है सिटी, सिटी के लिए वेरकर और कंस्ट्रेंट 50,
अब यहां पे आप ये कह दें कि आपको ये वाला जो टेबल क्रिएट कर रहे हैं इसमें जो प्राइमरी की है वो चाहिए आईडी वाली, तो आईडी के लिए आप यहां पे एक तो इधर भी आप लिख सकते हैं प्राइमरी की, आपका ये आईडी जो है ये एज अ प्राइमरी की आ जाएगा। और दूसरा मेथड ये है कि आप इसको यहां पे प्राइमरी की लिखने की बजाय आप यहां पे लिख दें प्राइमरी की आईडी, तो ये आपकी आईडी जो यहाँ पे होगी वो एज अ प्राइमरी की यहाँ पे यूज होगी। और जैसे हमने दूसरी एग्जांपल देखी थी कि आप आईडी और नेम को प्राइमरी की बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पे कॉमा लगा के नेम को भी ऐड कर सकते हैं। तो आपका यहाँ पे प्राइमरी की जो है वो आईडी और नेम का जो है कॉलम, वो दोनों का कंबिनेशन जो होगा वो प्राइमरी की बन जाएगा। इस तरीके से हम प्राइमरी की के कंस्ट्रेंट को यूज करते हैं। अब यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट यूज करने के लिए मैं एक टेबल बना लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं एक टेबल क्रिएट करता हूँ यहाँ पे, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय के नाम से। इस टेबल में मैं वैल्यूज ऐड करता हूं कि मुझे आईडी लिखनी है यहां में एक कॉलम में, और आईडी जो हो वो इंटीजर के फॉर्म में हो और नॉट नल हो। और सैलरी जो है मैं इसको सेट कर देता हूं इंटीजर, और डिफॉल्ट इसको अगर मैं सेट कर दूं 30,000, और इसको मैं यहां पे ऐड करके इसमें वैल्यूज इंसर्ट करता हूँ। इसको मैं पहले एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, ये एग्जीक्यूट हो गया है। अब इसमें वैल्यूज ऐड करते हैं, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, वैल्यूज क्या हो, अब वैल्यू क्योंकि हमने आईडी ऐड करनी है और सैलरी जो है बाय डिफॉल्ट ऐड होगी, यहाँ पे मैं आईडी ऐड कर देता हूँ 1001। इसी के बाद मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे ऐड कर देता हूँ 1002, इधर ऐड कर देता हूँ 1003, और इसको मैं एग्जीक्यूट करवाता हूँ। अब यहाँ पे वैल्यूज क्यों नहीं ऐड हो रही, वैल्यूज इसलिए नहीं ऐड हो रही कि हमने यहाँ पे जो है एम्प्लॉय में ये नहीं बताया कि किस कॉलम में आप वैल्यू ऐड करना चाहते हैं। और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो यहाँ पे वो कह रहा है कि कॉलम काउंट डज नॉट मैच वैल्यू काउंट एट रो वन, कौन से कॉलम की वैल्यूज के अगेंस्ट वैल्यू ऐड कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करवाता हूँ तो यहाँ पे मेरी वैल्यू जो है वो ऐड हो जाएगी। अब इसलिए हमें यहाँ पे भी आईडी लिखना पड़ेगा, और नीचे वाली जो वैल्यू हमने ऐड की है उसके लिए भी हमें आईडी लिखना पड़ेगा। इनको अब यहाँ पे एग्जीक्यूट करवाता हूँ तो ये मेरी वैल्यूज ऐड हो जाएंगी। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, तो यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करने पे ये वैल्यूज जो हैं यहाँ पे ऐड हो जाएंगी, पता लग जाएगा। और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो इसको मैं अब दोबारा अगर एग्जीक्यूट करूँ तो ये मेरी वैल्यूज यहाँ पे ऐड जो हमने की हैं आईडीज, उनके रेलिवेंट यहाँ पे सैलरीज जो है बाय डिफॉल्ट ऐड हो जाएंगी। इस तरीके से हम डिफरेंट जो कंस्ट्रेंट्स हैं उनको यूज करते हैं। अब हम बात करेंगे सिलेक्ट कमांड से रिलेटेड। सिलेक्ट कमांड क्या है, सिलेक्ट कमांड को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये आपके डेटा को डेटाबेस को सिलेक्ट करने के लिए या आपके डेटा जो टेबल में मौजूद होता है उसको सिलेक्ट करने के लिए यूज होता है। यहाँ पे इसका बेसिक सेंटेक्स जो है वो है सिलेक्ट कॉलम, आप कोई कॉलम जो है वो सिलेक्ट करना चाहते हैं या सेट ऑफ डिफरेंट कॉलम सिलेक्ट करना चाहते हैं, लिख देंगे कॉलम नेम्स, उसके बाद फ्रॉम किस टेबल से आप जो है सिलेक्ट करना चाहते हैं फ्रॉम उस टेबल का नेम दे देंगे, तो आपका वो डेटा सेट जो होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा, वो स्पेसिफिक स्कीमा जो होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद एक और मेथड है, आप सारे के सारे डेटा सेट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपने टेबल क्रिएट किया है। उसके लिए आप क्या करते हैं, आप लिखते हैं टू सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट स्टार फॉर ऑल, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, आप यहाँ पे टेबल का नेम दे देंगे और स्टार लगा देंगे, तो स्टार की वजह से इस टेबल में मौजूद सारे का सारा डेटा जो होगा वो आपको आउटपुट के तौर पे शो हो जाएगा। हमने वो सैंपल डेटा जो था वो सारा लिख लिया, अब इसको रन करते हैं, एग्जीक्यूट हो गया जी, ये क्रिएट टेबल हो गया है। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स में जो ये जो वैल्यूज हैं इनको हम करते हैं, ये भी हमारा एग्जीक्यूट हो गया है। अब हम यहाँ पे सिलेक्ट देखते हैं, सिलेक्ट नेम, नेम ग्रेड एंड सिटी फ्रॉम स्टूडेंट, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये मेरा डेटा जो है यहाँ पे नेम ग्रेड और सिटी के हवाले से। अब यहाँ पे अगर मैं मार्क्स भी ऐड करना चाहूँ, मार्क्स इसको एग्जीक्यूट करूँ तो
एग्जीक्यूट करने पे ये मुझे नेम में मार्क्स ग्रेड और सिटी के हवाले से टेबल शो कर देगा। लेट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट करूँ और इसको मैं एग्जीक्यूट करना चाहूँ, एग्जीक्यूट करने पे फ्रॉम स्टूडेंट और इसको एग्जीक्यूट करने पे ये मुझे सारे का सारा डेटा सेट जो है इस टेबल का वो शो करवा। इस तरीके से हम सेलेक्ट कमांड को यूज करते हैं। अब हम बात करेंगे वेयर क्लॉज के बारे में। वेयर क्लॉज क्या होता है? वेयर क्लॉज एक आपके पास एक स्पेसिफिक कंडीशन को डिफाइन करता है, आपकी स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग को डिफाइन करता है। तो आप अगर कोई डेटा सेट जो है, कोई डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं, उसमें कोई डेटा ऐड करना चाह रहे हैं, तो आप उस पर कोई स्पेसिफिक कंडीशन जो है वो डिफाइन कर देते हैं कि आपका डेटा जो है वो किस तरीके से शो होना चाहिए एज एन आउटपुट। आप उसको कैसे रन कर सकते हैं उसकी क्वेरी को, तो उसके लिए आप लिखते हैं सिलेक्ट कॉलम नेम, कॉलम वन, कॉलम टू, जो भी कॉलम का नेम है, फ्रॉम टेबल, उस टेबल में से टेबल का नेम देते हैं और स्पेसिफिक कॉलम का नेम देते हैं या सेट ऑफ कॉलम्स बताते हैं। इस टेबल में से वो डेटा आपका शो होना चाहिए आउटपुट के तौर पे, जिसमें आप कोई वेयर लगा के कोई स्पेसिफिक कंडीशन जो है वो बता देते हैं। इन कॉलम्स में और इस टेबल में बहुत ज्यादा डेटा मौजूद होगा, लेकिन जस्ट जो आपने कंडीशन अप्लाई की है उसके अकॉर्डिंग ही डेटा जो होगा, जो उस कंडीशन को मीट करता हुआ होगा, वो डेटा आपका आउटपुट में शो होगा। तो हम इसके लिए कैसे सिंटैक्स लिखते हैं? उसके लिए है जी सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, आपने पूरे टेबल को स्टूडेंट में से सिलेक्ट कर लेना है और शो आपने करना है वेयर मार्क्स ग्रेटर देन 80, यानी कि जो हम अभी डेटा जो है वो टाइप करके हटे हैं प्रैक्टिस फाइल में, उस डेटा में से जो डेटा जिसमें से मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन 80 होंगे, वो डेटा आपने शो करना है। या इसके अलावा एक और आप मेथड से कर सकते हैं, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सिटी इक्वल्स फैसलाबाद। आप इसके अलावा ये भी कर सकते हैं कि आप वो डेटा शो करें जिसमें सिटी जो है वो फैसलाबाद। ये एक मेथड है। इसके बाद सेकंड मेथड ये है कि आप लिख सकते हैं सिलेक्ट आर फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स ग्रेटर देन 80। ये दोनों मेथड जो हैं ये आपके वेयर क्लॉज को डिफाइन करने के लिए यूज होते हैं। यहाँ पे हम वेयर क्लॉज को कैसे यूज करते हैं उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट आर फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स ग्रेटर देन 80। इसको मैं अगर एग्जीक्यूट करूँ, एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे वो स्टूडेंट्स के मार्क्स नजर आ रहे हैं और उनकी डिटेल नजर आ रही है जिनके मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन 80। हालांकि हमारे पास यहाँ पे और भी स्टूडेंट्स हैं जिनके 80 से कम भी हैं, बट लेकिन यहाँ पे हमें वेयर क्लॉज की वजह स्टूडेंट्स की डिटेल शो कर रहा है जिनके मार्क्स जो है वो ग्रेट 80 है। इसके अलावा हम एक और कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर मार्क्स ग्रेटर देन और सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर 80 इक्वल फैसलाबाद, तो हम एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे हमें वो डेटा शो कर रहा है जिसमें फैसलाबाद के स्टूडेंट्स हैं और उनके मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन 80 है। तो हम इस तरीके से वेयर क्लॉज को यूज कर सकते हैं। हम वेयर क्लॉज को डिफरेंट ऑपरेटर्स के साथ यूज करते हैं। उन ऑपरेटर्स में हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स और बिट वाइज ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में जैसे हमारे पास मैथ्स में ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लीकेशन हो गया, डिवीजन हो गया और मॉड्यूलस हो गया। हमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का तो पता है, लेकिन मॉड्यूलस क्या होता है? मॉड्यूलस आपका रिमाइंडर जो है वो बताता है। रिमाइंडर फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे करते हैं जी 15 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 थ्री जार 12 एंड यहाँ पे हमारे पास 3 रिमाइंडर आ रहा है। तो मॉड्यूलस के जरिए से ये जो रिमाइंडर होता है ये चीज जो आती है हमारे आउटपुट में शो होती है। अब यहाँ पे मैं अरिथमेटिक ऑपरेशन देखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्वेरी रन करूंगा जी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स प्लस 10 ग्रेटर देन 100 और इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूं, तो इस वेयर क्लॉज के अगेंस्ट जब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो मुझे वो डेटा शो करवाता है दो स्टूडेंट्स का जिनके मार्क्स 93 और 96 है। अगर मैं इनमें 10 ऐड करता हूं तो हमारा रिजल्ट जो होता है वो ग्रेटर देन 100 हो जाता है। तो अगर मैं यहां पे -10 करके लेस देन 80 चेक करूं और इसको मैं सेमीकॉलन लगा के एग्जीक्यूट करूं, तो ये मुझे डेटा शो करता है तीन स्टूडेंट्स का जिनके मार्क्स में से अगर मैं 10 माइनस कर दूं वो लेस देन 80 आते हैं। तो ये है हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में वेयर क्लॉज। नेक्स्ट है हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या है? जब आप दो स्टेटमेंट्स को या दो कंडीशंस को कंपैरिजन करने के लिए कुछ ऑपरेटर्स को यूज करते हैं, तो उसके लिए पहला है जी इक्वल टू। नॉट इक्वल टू के लिए आप ये साइन यूज करते हैं, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, लेस देन एंड इक्वल टू के ये जो ऑपरेटर्स हैं इनको हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स कहते हैं और ये दो स्टेटमेंट्स को कंपैरिजन करने के लिए यूज होते हैं। अगर मैं यहाँ पे सिचुएशन दे दूं कि मार्क्स वो शो करे जो कि इक्वल टू 85 है, सेमीकॉलन, और इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ ऊपर जाके, तो एग्जीक्यूट करने पे मुझे ये डेटा शो करता है जस्ट एक स्टूडेंट जिनके मार्क्स 85। अगर मैं यहाँ पे 85 की बजाय यहाँ पे एक और कंडीशन लगा दूं ग्रेटर देन इक्वल टू 85 है,
तो यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करने पे मुझे डेटा शो करेगा तीन स्टूडेंट के मार्क्स जो के ग्रेटर देन इक्वल टू 85 है। अगर मैं यहाँ पे कह दूं कि लेस देन इक्वल टू 85, तो यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करने पे मुझे डेटा शो करवाएगा जिनके लेस देन और इक्वल टू 85। तो ये है कंपैरिजन ऑपरेटर्स और इनको हम वेयर क्लॉज के साथ किस तरीके से यूज करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमारे पास जो एंड और नॉट इन बिटवीन और लाइक एनी, ये हम तमाम के तमाम जो है वो डिस्कस करेंगे। अब इनमें इनको एंड को हम पहले डिस्कस करते हैं। एंड जो है, एंड आपका एक ऐसा ऑपरेटर है जो कि आप वेयर क्लॉज के साथ यूज करते हैं जब आपकी बोथ कंडीशन जो दे अप्लाई कर रही है वो कंडीशन दोनों ट्रू हो। फॉर एग्जाम्पल सिलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स, आपने डेटा सिलेक्ट करना है स्टूडेंट के टेबल से और आपने उस पे वेयर क्लॉज लगा दिया है कि आपके मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन 80 हो और सिटी आपका फैसलाबाद हो। तो यहाँ पे आपकी एक कंडीशन ये होगी और दूसरी कंडीशन ये हो गई। जब आपकी दोनों कंडीशंस अप्लाई करने पे ट्रू होंगी तब आपका रिजल्ट आउटपुट के तौर पे जहां पे टेबल की रो में ये दोनों कंडीशंस सेम आपकी ट्रू होती हुई तो आपका वो डेटा शो होगा आउटपुट में। और आपका एक ऐसा ऑपरेटर है जहां पे आप जब दो कंडीशन अप्लाई करते हैं और दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन भी आपकी ट्रू हो जाती है तो आपका डेटा आउटपुट में वो शो होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने डेटा सिलेक्ट करके स्टूडेंट के टेबल से आप कह रहे हैं कि एक तो जिनके मार्क्स ग्रेटर देन 90 है वो डेटा शो हो और दूसरा जिनकी सिटी फैसलाबाद है वो डेटा शो हो। तो दोनों कंडीशन में से, चाहे आपकी फर्स्ट कंडीशन या सेकंड कंडीशन, दोनों कंडीशन में से कोई एक भी कंडीशन अगर ट्रू हुई तो आपका डेटा आउटपुट में शो हो जाएगा। अब हम इसको माई एसक्यूएल वर्क बेंच से देखते हैं कि किस तरीके से हम इन ऑपरेटर्स को यूज करते हैं। अब यहाँ पे मैं कंडीशन अप्लाई कर देता हूँ कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट एंड वेयर मार्क्स ग्रेटर देन 90, एंड ऑपरेटर को यूज करते हुए सिटी जो हो हमारा वो होना चाहिए फैसलाबाद। और मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो इसको एग्जीक्यूट करने पे मुझे डेटा शो होगा एक स्टूडेंट का जिसके मार्क्स ग्रेटर देन 90 हैं और उनका सिटी जो है वो फैसलाबाद। ये है एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर में आपकी दोनों जो कंडीशंस आपने कही हैं, मार्क्स ग्रेटर देन 90 और सिटी इक्वल्स फैसलाबाद, ये दोनों कंडीशंस का ट्रू होना जरूरी है। यहाँ पे अब मैं अप्लाई करता हूँ इसी कंडीशन के साथ और ऑपरेटर, और मैं इसको जो है एग्जीक्यूट करता हूँ तो इसको एग्जीक्यूट करने पे मुझे डेटा शो होगा तीन स्टूडेंट्स का जिसमें 102 के 93 मार्क्स हैं, 103 के 85 एंड 104 के 96, बट ये दो जो हैं वो फैसलाबाद से बिलोंग कर रहे हैं, एक लाहौर से बिलोंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक में कंडीशन जो है वो दोनों अप्लाई हो रही है, यानी कि ग्रेटर देन 90 मार्क्स भी हैं और फैसलाबाद से भी बिलोंग करता है। सेकंड वाले में ये 85 मार्क्स हैं, यानी कि फर्स्ट कंडीशन मीट नहीं कर रही और सेकंड कंडीशन जो है फैसलाबाद से ये बिलोंग कर रहा है। थर्ड कंडीशन में आ जाएं तो यहाँ पे हमारे पास मार्क्स ग्रेटर देन 90 है बट जो सिटी है वो फैसलाबाद नहीं है, सिटी लाहौर है। तो और ऑपरेटर में आपके पास दोनों कंडीशंस का मीट करना जरूरी नहीं है, और ऑपरेटर में आपकी एक कंडीशन मिल जाए देन फाइन, और अगर एंड ऑपरेटर हो तो एंड ऑपरेटर में आपकी दोनों सिचुएशंस का ट्रू होना जरूरी है। अब हम बात करेंगे लिमिट क्लॉज की। लिमिट क्लॉज क्या है? लिमिट हमें बाय वर्ड ही पता है कि लिमिट किसी भी चीज पे, किसी डेटा सेट पे, किसी डेटाबेस पे कोई लिमिट लगा देना। तो यहाँ पे लिमिट क्लॉज क्या काम करता है? ये एक लिमिट लगा देता है कि अगर आप कोई लिमिट देते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमें डेटाबेस शो करना है जिसमें लिमिट जो हो वो नंबर ऑफ रोज 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो, तो वो आपको आपके डेटा सेट में से, डेटाबेस का जो टेबल होता है उसमें से जो अपर 3 to 4 रोज, जो जितनी रोज की आप लिमिट लगाते हैं उतनी रोज आपको आउटपुट में शो करता है। तो लिमिट जो होती है वो सेट एन अपर लिमिट जो है वो लगा देता है नंबर ऑफ रोज पे टू बी रिटर्न एज एन आउटपुट। आउटपुट के तौर पे ये जो आपके डेटाबेस में पर लिमिट वाले जो रोज होती हैं उनको शो कर देता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि सिलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, जो हम स्टूडेंट टेबल की प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, उस स्टूडेंट टेबल में से लिमिट कर दे 3 को। तो यहाँ पे जो फर्स्ट 3 स्टूडेंट्स की, यानी 1001, 1002, 1003 जो स्टूडेंट्स होंगे, ये 1, 2 और 3 इन स्टूडेंट का डेटा मुझे शो करेगा, ना कि मुझे 4, 5, 6, 7, 8 अप टू 101 जो डेटा सेट में मौजूद डेटा होगा उसको शो करेगा। अगर मैं यहाँ पे 4 कर दूंगा तो ये मुझे 1004 का डेटा भी शो कर देगा। तो इसी तरीके से डेटा सेट में हम लिमिट जो होती है वो किसी भी रोज को जो आउटपुट के तौर पे हम शो करवाना चाहते हैं उस पे लिमिट अप्लाई करने के लिए यूज करते हैं। अब देखते हैं जी इसको MySQL वर्कबेंच। सिलेक्ट डेटा फ्रॉम, यहाँ पे मैं लिमिट अप्लाई कर देता हूँ लिमिट 4, और अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो इसको एग्जीक्यूट करने पे मुझे यहाँ पे 4 स्टूडेंट्स का डेटा शो करता है। अगर मैं यहाँ पे कह दूं स्टूडेंट्स वेयर मार्क्स ग्रेटर देन 85 और लिमिट लगा दी है हमने 4 स्टूडेंट की, यहाँ पे मैं इसको लिमिट को 3 कर देता हूँ। लिमिट 3 करने के बाद यहाँ पे मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो एग्जीक्यूट करने पे यहाँ पे मुझे 4 स्टूडेंट का डेटा देगा जिनके मार्क्स जो है 85 से ग्रेटर है बट वो स्टूडेंट जो है वो 3 नहीं 2 है। तो यहाँ पे हमें इस लिमिट के अकॉर्डिंग इस डेटा को मीट करते हुए वो इस लिमिट के अंडर अंडर हमें डेटा शो करता है।
इसके बाद आता है जी ऑर्डर बाय क्लास। ऑर्डर बाय क्लास क्या है, हमें समटाइम डेटा सेट को अरेंज करना होता है असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, लेट्स सपोज आपके पास रैंडम नंबर्स हैं 2, 3, 1, 5, 4, और अगर आप इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहें तो असेंडिंग ऑर्डर होगा 1, 2, 3, 4 एंड 5, और अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहें तो डिसेंडिंग ऑर्डर होगा आपका 5, 4, 3, 2, 1। तो यहाँ पे ये असेंडिंग ऑर्डर है, असेंडिंग ऑर्डर के लिए हम ASC यूज करते हैं, और डिसेंडिंग ऑर्डर है ये वाला, डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए हम DESC यूज करते हैं। तो यहाँ पे इनको डेटा को सॉर्ट करने के लिए ये जो ऑर्डर बाय क्लास है वो यूज होता है। टू सॉर्ट इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर हम क्या यूज करते हैं, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट के टेबल से डेटा जो है हम सारा सिलेक्ट कर लेंगे और ऑर्डर बाय करेंगे सिटी असेंडिंग के हवाले से। यानी कि यहाँ पे आपने क्या करना है, सिलेक्ट कर लेने कॉलम नेम फ्रॉम टेबल, और टेबल से जो आप कॉलम सिलेक्ट करेंगे उनके अकॉर्डिंग आप उन कॉलम्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहेंगे तो आपका डेटा जो होगा उसके अकॉर्डिंग शो हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इसको अप्लाई करता हूँ जी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, आपने डेटा जो है वो स्टूडेंट का सिलेक्ट कर लेना, और यहाँ पे ऑर्डर बाय सिटी को आपने ऑर्डर करना है असेंडिंग ऑर्डर में। और मैं इसको अगर एग्जीक्यूट करूं तो एग्जीक्यूट करने पे मुझे डेटा जो है वो सिटी में अल्फाबेटिकली असेंडिंग ऑर्डर में, जो अल्फाबेट है उनके हवाले से आपका डेटा जो होगा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे कह दूं मार्क्स को, मार्क्स को आप असेंडिंग ऑर्डर में करें, तो मार्क्स के हवाले से इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पे मार्क्स के हवाले से असेंडिंग ऑर्डर में डेटा आ जाएगा, लेकिन अब यहाँ पे सिटी जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाए। इस तरीके से आप डिफरेंट स्कीमा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑर्डर बाय क्लॉज के जरिए से अरेंज कर सकते। पर बात आती है जी एग्रीगेट फंक्शन की। एग्रीगेट फंक्शन क्या होता है, एग्रीगेट फंक्शन आपका ऐसा फंक्शन है जो कि डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए होता है। अगर आप जावा, C++, पाइथन में कोडिंग कर रहे हैं तो कोडिंग करते हुए आपको डिफरेंट फंक्शंस जो है वो यूज करने पड़ते हैं। तो इसमें एग्रीगेट फंक्शन जो होता है वो कैलकुलेशन परफॉर्म करता है, डिफरेंट वैल्यूज जो होती है उसके सेट से रिलेटेड जो कैलकुलेशन परफॉर्म करता है, और हमें आउटपुट जो है वो एक सिंगल वैल्यू के फॉर्म में देता है। इसमें हमारे पास काउंट का फंक्शन है, मैक्सिमम है, मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, सम आप देख सकते हैं, एवरेज फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है आपका वो ये है कि सिलेक्ट मार्क्स, और मार्क्स सिलेक्ट करने के साथ आप मैक्सिमम लगाते हैं, मिनिमम लगाते हैं, सम, एवरेज, काउंट लगाते हैं, और फ्रॉम स्टूडेंट यानी कि स्टूडेंट टेबल के डेटा में से मार्क्स को लेके आप उसका मैक्सिमम कैलकुलेट करना चाहते हैं। इसी तरीके से एवरेज, सम और मिनिमम मैक्सिमम यूज करते हैं। तो हम देखते हैं माई एसक्यूएल वर्क बेंच में हम इसको कैसे यूज करते हैं। अब यहाँ पे मैं कहता हूं जी सिलेक्ट मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट्स, इसको मैं एग्जीक्यूट अगर करूं तो यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करने पे मुझे जस्ट मार्क्स शो होते हैं, बट हमें मार्क्स नहीं चाहिए, हमें मैक्सिमम मार्क्स, मिनिमम मार्क्स, एवरेज ऑफ मार्क्स, काउंट मार्क्स चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे मार्क्स को ब्रैकेट में लिख के, और ब्रैकेट से पहले यहाँ पे लिख देते हैं मैक्सिमम, और इसको जब हम एग्जीक्यूट करते हैं एग्जीक्यूट करने पे हमें यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स शो करता है 96। अगर मैं यहाँ पे मिनिमम क्या लिख दूं, मिनिमम मार्क्स, तो ये इसको एग्जीक्यूट करने पे ये मुझे मिनिमम मार्क्स दिखाएगा 78। अगर मैं यहाँ पे एवरेज लिख दूं तो ये मुझे रिजल्ट के तौर पे एवरेज शो करवाता है। अगर मैं यहाँ पे काउंट लिख दूं, काउंट लिख के मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो ये मुझे मार्क्स की नंबरिंग काउंट कर देता है कि कितने नंबर्स हैं इसमें, यानी कि 5 स्टूडेंट्स हैं तो 5 नंबरिंग है, यानी कि 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। तो इस तरीके से आप एग्रीगेट फंक्शन को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे ग्रुप बाय क्लॉज के नाम पे। ग्रुप बाय क्लॉज क्या होता है, ग्रुप बाय क्लॉज आपका एक ऐसा क्लॉज है जिसमें आप डिफरेंट रिकॉर्ड्स जो आपके पास होते हैं, डिफरेंट डेटाबेसेस जो होते हैं, वहां से आप डेटा लेके उसको रिटर्न करते हैं एक स्पेसिफिक ग्रुप के फॉर्म में। ग्रुप बाय क्लॉज क्या करता है, ग्रुप बाय क्लॉज आपकी सेम वैल्यूज जिन रोज में होती है उनको समरी रोज के हवाले से आउटपुट के तौर पर शो करता है, और ये डेटा को कलेक्ट करता है फ्रॉम मल्टीपल रिकॉर्ड, मल्टीपल रिकॉर्ड से डेटा को इकट्ठा करता है और उनको ग्रुप करके रिजल्ट एक समरी के फॉर्म में दे देता है। बेसिकली हम ग्रुप बाय क्लॉज को जो है एग्रीगेट फंक्शंस के साथ यूज करते हैं। एग्रीगेट फंक्शन मतलब जो कि हम मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट, एवरेज और सम, ये जो है हम और सम के हवाले के साथ देख चुके हैं। सो हम यहाँ पे एग्रीगेशन वाले जो फंक्शंस हैं उनके साथ इनको यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल इसके लिए हम कैसे क्वेरी रन करते हैं, लिखते हैं सिलेक्ट सिटी, हमने जो सिटीज हैं स्टूडेंट के डेटा टेबल में से उसमें से सिटी को सिलेक्ट करना है, और उन सिटी को हमने ग्रुप करना है सिटीज के हवाले से। यानी कि ये स्टूडेंट का जो डेटाबेस है उसमें से हमने डेटा को जो कि सिटीज के हवाले से उनको हमने सिलेक्ट करना है और स्पेसिफिक सिटी के अकॉर्डिंग हमने उनको ग्रुप कर देना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो अभी डेटा सेट हम एग्जाम्पल के तौर पर यूज कर रहे हैं वो है एक फैसलाबाद का, दूसरा है ओकाड़ा का, और थर्ड वन इज लाहौर। तो हम स्टूडेंट्स का डेटा जो है सिटी से के हवाले से इकट्ठा करेंगे और उनके 3 हम ग्रुप बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं देखते हैं माई एसक्यूएल वर्क बेंच। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी सिलेक्ट
फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय, इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं तो ये हमें सिटीज के ग्रुप दे देता है, अकाड़ा, फैसलाबाद, लाहौर। अगर हम यहाँ पे कह दें कि काउंट भी करे रोल नंबर्स को, क्योंकि स्टूडेंट्स के रोल नंबर्स हैं जिनके अगेंस्ट ये सिटी वाइज डिस्ट्रीब्यूट किए, इनको मैं सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करता हूँ, एग्जीक्यूट के तौर पर ये मुझे डेटा शो करवा देता है कि दो स्टूडेंट्स अकाड़ा से हैं, दो फैसलाबाद से और दो लाहौर से। और अगर मैं यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग कर दूं कि मुझे नेम भी शो करवाए और यहाँ पे मैं कह दूं सिटी और नेम के हवाले से ग्रुप बाय कर दे, इसको मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ, एग्जीक्यूट करने पे मुझे ये डेटा शो करेगा सिटी वाइज नेम और काउंट। यहाँ पे आपका जो रोल नंबर काउंट है नेम के हवाले से, ये आपको बता रहा है कि फैसलाबाद से एक ये है, ये भी फैसलाबाद से है, लाहौर से है, ये ओकाड़ा से एक है और ओकाड़ा से ये अहमद भी एक। तो इस तरीके से आप ग्रुप बाय क्लॉज को डिफरेंट एग्रीगेशन फंक्शंस के साथ यूज। अब हम बात करेंगे हैविंग क्लॉज के बारे में। हैविंग क्लॉज क्या है? हैविंग क्लॉज आपके पास एक ऐसा क्लॉज है जो कि वेयर क्लॉज की तरह ही काम करता है। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि वेयर क्लॉज की तरह अगर काम करता है तो हम वेयर क्लॉज को ही क्यों नहीं यूज कर सकते, हम हैविंग क्लॉज को क्यों यूज करते हैं? तो यहाँ पे ये एक स्पेसिफाई चीज करते हैं कि वेयर क्लॉज जो होता है वो रोज पे कंडीशन अप्लाई करने के लिए यूज होता है, हैविंग क्लॉज आपका ग्रुप्स पे कंडीशंस को अप्लाई करने के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक ग्रुप क्रिएट कर लिया है, ग्रुप क्रिएट करने के बाद आप जब उस पे डेटा बेस में जो टेबल है आपने ग्रुप क्रिएट कर लिया, उस ग्रुप के ऊपर आप जब कोई कंडीशन अप्लाई करेंगे तो उस ग्रुप में आप कंडीशन अप्लाई करने के लिए हैविंग क्लॉज को यूज करें। ये हम बात कर चुके हैं, सिमिलर टू वेयर क्लॉज है। सेम जो है वेयर क्लॉज वो कंडीशन अप्लाई करता है रोज पे, लेकिन ये कंडीशंस अप्लाई करता है आफ्टर ग्रुपिंग। अब इसके लिए क्वेरी क्या है? क्वेरी ये है कि सिलेक्ट काउंट, ये एग्रीगेशन फंक्शन है क्योंकि हम ग्रुप बाय क्लॉज में भी पढ़ चुके हैं, एग्रीगेशन फंक्शन हम यूज करेंगे। उसके बाद यहां पे फ्रॉम है स्टूडेंट डेटा, ये स्टूडेंट का टेबल हम यूज कर रहे हैं एज अ प्रैक्टिस फाइल, और ग्रुप बाय सिटी, हमने ग्रुप बाय सिटी कर लिया। अब ग्रुप बाय सिटी करने के बाद यहाँ पे हम ये देखना चाहते हैं कि हैविंग क्लॉज के अकॉर्डिंग ये जो आपने ग्रुप कर दिया, अब यहाँ पे ग्रुप के बाद ही हम अप्लाई कर सकते हैं ना हैविंग क्लॉज को। अब ये ग्रुप जो हमने कर दिया है इसके ऊपर वो स्टूडेंट का डेटा शो करे जिनके मार्क्स जो है मैक्सिमम मार्क्स वो ग्रेटर देन 90 है। तो पहले हमने क्रिएट करना है ग्रुप, ग्रुप के बाद सेकंड स्टेप होगा हमारा हैविंग क्लॉज अप्लाई करने। तो अब देखते हैं कि हम किस तरीके से हैविंग क्लॉज अप्लाई करते हैं। सेलेक्ट सिटी फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय सिटी, सबसे पहले हमने ग्रुप क्रिएट कर दिया। अब ग्रुप क्रिएट करने के बाद यहाँ पे हम लिखते हैं जी हैविंग क्लॉज हैविंग मैक्सिमम ऑफ मार्क्स ग्रेटर देन 90। एग्जीक्यूट करते हैं हम इसको। एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पे कॉमा है, इस वजह से एरर आ रहा है, इस कॉमा को खत्म करेंगे और इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे हमें डेटा शो करवा देगा फैसलाबाद एंड लाहौर, इनमें जो स्टूडेंट है उनके मैक्सिमम मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन 90। अगर मैं यहाँ पे एड कर दू काउंट रोल नंबर और इसको मैं सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करूँ तो यहाँ पे मुझे ये रोल नंबर के हवाले से काउंट करके बता देगा कि फैसलाबाद और लाहौर से दो स्टूडेंट है, फैसलाबाद से और एक है लाहौर से, जिनके ग्रेटर देन 90 मार्क्स हैं। अगर यहाँ पे मैं ग्रेटर देन 80 कर दूं और यहाँ पे मैं इसको कोड को एग्जीक्यूट करता हूँ तो एग्जीक्यूट करने पे मेरे पास दो स्टूडेंट्स उकाड़ा से, दो फैसलाबाद से और एक लाहौर से। हमारे पास एक जनरल ऑर्डर ऑफ कमांड होता है कि हम एक ऑर्डर के अकॉर्डिंग कमांड्स को अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले आप कोई डेटाबेस जब क्रिएट करते हैं तो उसमें आप डेटाबेस को सिलेक्ट करते हैं, यानी कि आप कॉलम्स को सिलेक्ट करते हैं। कॉलम्स को सिलेक्ट करने के बाद कहाँ से आप कॉलम्स को सिलेक्ट करते हैं? आप फ्रॉम डेटा टेबल, डेटा टेबल की जो नेम है आप उसको अप्लाई करते हैं, यानी कि ये जो कॉलम है हम सिलेक्ट कर रहे हैं इस डेटाबेस के जो टेबल है उसमें से। उसके बाद वेयर कंडीशन आप अप्लाई करते हैं, वेयर कंडीशन अप्लाई की जाती है रोज के ऊपर, यानी कि आपका जो डेटा होगा उस पे आप वेयर कंडीशन अप्लाई करेंगे। उसके बाद ग्रुप कर सकते हैं, आप ग्रुप करते हैं, ग्रुप बाय कॉलम्स कर सकते हैं। आप ग्रुप बाय कॉलम्स करने के हवाले से जब आप यहाँ पे ग्रुप्स कर लेते हैं तो ग्रुप्स पे हैविंग कंडीशन अप्लाई की जाती है, ग्रुप्स पे वेयर क्लॉज नहीं या वेयर कंडीशन अप्लाई नहीं किया जाती, क्योंकि ये हम पढ़ चुके हैं कि वेयर कंडीशन जो होती है ये रोज पे अप्लाई की जाती है और जो आपके पास हैविंग कंडीशन होती है या हैविंग क्लॉज होता है ये आपका अप्लाई किया जाता है ग्रुप्स के ऊपर। तो जब आप ग्रुप क्रिएट कर लेंगे तो ग्रुप्स पे आप हैविंग कंडीशन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और हैविंग कंडीशन अप्लाई करने के बाद जब आपके पास ग्रुप्स बन जाएंगे तो आप उन ग्रुप्स को ऑर्डर कर सकते हैं स्पेसिफिक असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में और स्पेसिफिक आप जो ऑर्डर देना चाहें उसके अकॉर्डिंग। सो ये है आपका जनरल ऑर्डर ऑफ अप्लाइंग डिफरेंट कमांड्स।
अब हम डिस्कस करेंगे और टेबल रिलेटेड क्वेरीज के बारे में। इससे पहले हम देख चुके हैं कि हम टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल में स्कीमास कैसे क्रिएट करते हैं, स्कीमास में हम डेटा कैसे इंसर्ट करते हैं, वैल्यूज कैसे इंसर्ट करते हैं। अब हम देखेंगे कि वैल्यूज को हम कैसे अपडेट कर सकते हैं। अपडेट करने के लिए हम वैल्यू जो अपडेट करते हैं उनको हम जो एग्जिस्टिंग रोज हैं उनमें डेटा को कैसे अपडेट करते हैं, उसके लिए अपडेट कमांड है वो यूज की जाती है। अपडेट की कमांड यूज करने के लिए आप यहाँ पे लिखते हैं अपडेट टेबल नेम। टेबल नेम में आप सेट करना चाहते हैं वैल्यू को, पहले जो वैल्यू थी उसको आप किस वैल्यू से चेंज करना चाहते हैं यानी अपडेट करना चाहते हैं, और दूसरी कॉलम की वैल्यू को आप किससे अपडेट करना चाहते हैं, यानी कि आप यहाँ पे सेट में जाके अपनी वैल्यूज जो हैं वो जो अपडेट करना चाहते हैं उनको और जिन वैल्यू से अपडेट करना चाहते हैं उनके इक्वल लिख के आगे हम लिखते हैं जी वेयर कंडीशन। कंडीशन आगे अप्लाई कर देते हैं, कंडीशन क्या होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप स्टूडेंट का डेटा यूज कर रहे हैं, स्टूडेंट के डेटा में जहाँ पे मार्क्स है मार्क्स के अकॉर्डिंग ग्रेड्स है, सेट ग्रेड कर दे आउटस्टैंडिंग इक्वल, यानी कि जिनका ए ग्रेड है या ए प्लस ग्रेड है उनको आउटस्टैंडिंग शो हो। सो आउटस्टैंडिंग हम पूरा नहीं लिख सकते, हम यहाँ पे आउटस्टैंडिंग का ओ जो है वो लिख देते हैं कि जहां जहां ए ग्रेड है वहां पे हमें ओ नजर आए एज अ ग्रेड। तो हम देखते हैं कि इस MySQL में किस तरीके से रन करते हैं। अब हम यहां पे अपडेट से रिलेटेड कमांड को रन करते हैं। कमांड है जी अपडेट स्टूडेंट, स्टूडेंट के टेबल को अपडेट करना है सेट ग्रेड जहां पे आए इक्वल टू ओ फॉर आउटस्टैंडिंग वेयर ग्रेड इक्वल्स, रन करते हैं इसको। हम इसको जैसे ही एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट करने पे यहाँ पे हमें एरर शो कर रहा है। एरर है जी आपका, एरर हमें जो शो हो रहा है वो है 1175 यू आर यूजिंग सेफ अपडेट मोड एंड यू ट्राई टू अपडेट अ टेबल विदाउट अ वेयर दैट यूजेस अ की कॉलम टू डिसेबल सेव मोड टॉगल। ये एक आपको एरर दे रहा है, एरर ये दे रहा है कि आप जो है सेफ मोड में अपने इस MySQL वर्कबेंच को यूज, अगर आप इस MySQL वर्कबेंच को सेफ मोड से ऑफ करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको सिंपली एक क्वेरी लिखनी पड़ेगी। वो क्वेरी क्या है, वो क्वेरी है जी सेट SQL सेफ अपडेट्स इक्वल टू। अब मैं पहले इसको रन करता हूं, इसको रन करके एग्जीक्यूट करते हैं तो यहां पे हमारा सेव मोड जो है वो ऑफ हो गया। अब जीरो का मतलब है यहां पे ऑफ, और अगर हम यहां पे वन लिख देंगे तो इसका मतलब होगा कि हमने सेव मोड ऑन कर लिया। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूं तो एग्जीक्यूट जब मैं करूंगा तो एग्जीक्यूट करने पे ये हमारा जो अपडेट वाली वैल्यूज है वो हो जाएंगी अपडेट। अब अगर मैं ये चाहूं कि अपडेट कर दे स्टूडेंट के टेबल में, सेट कर दे वैल्यू को जहां पे है ग्रेड बी वेयर मार्क्स बिटवीन 80 एंड 90, यानी कि जहां पे 80 और 90 हैं उनके दरमियान में जो नंबर्स हैं उनको ग्रेड बी जो है वो सेट कर दे। आपका ये ग्रेड बी सेट हो गया है। अब अगर मैं कहूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, इसको मैं एग्जीक्यूट करूं, इसको एग्जीक्यूट करने पे मुझे यहाँ पे स्टूडेंट के नेम जो है वो जिनके 80 to 90 मार्क्स हैं वो बी ग्रेड्स में शो हो रहे हैं, यानी कि यहाँ पे 82 और 85 हैं इनके दरमियान में जो हमारे मार्क्स हैं वो उनको बी ग्रेड के साथ शो। अब अगर मैं यहाँ पे एक और वैल्यू सेट करना चाहूँ, सेट कर दे मार्क्स को इक्वल मार्क्स +1 के, इसको मैं अगर एग्जीक्यूट करता हूँ और अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं शो करवाने के लिए, तो यहाँ पे आप देखें कि 78 थे 79 हो गए, 93 थे 94 हो गए, 85 से 86, 96 से 97 और 82 से 83 मार्क्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे मार्क्स को कर दूँ +5 तो यहाँ पे इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा, और इसको एग्जीक्यूट करने के बाद हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने पे यहाँ पे हमें +5 जो है वो मार्क्स शो हो रहे हैं। इस तरीके से हम अपनी अपडेट कमांड को यूज करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि डिलीट कमांड क्या होती है। डिलीट कमांड आपकी रोज को डिलीट करने के लिए यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल आपकी एग्जिस्टिंग रोज हैं, आप उनको डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट कमांड को यूज करें। उसके लिए क्वेरी कैसे रन की जाती है, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, पहले आप डिलीट फ्रॉम लिख के टेबल का नेम देते हैं, उसके बाद आप कंडीशन देते हैं जिस कंडीशन को आप डिलीट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे जो हमारा स्टूडेंट का डेटाबेस है इसमें मैं डिलीट करना चाहता हूँ उन स्टूडेंट के मार्क्स को जिनके मार्क्स <(33) है। तो अब हम देखते हैं कि हम इसको MySQL वर्क बेंच में किस तरीके से यूज करते हैं। MySQL वर्कबेंच में यूज करने के लिए पहले हम इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं जी, सेट मार्क्स स्टूडेंट टेबल में सेट मार्क्स कर दे इक्वल्स टू 30 वेयर रोल नंबर इक्वल्स 104। इसको एग्जीक्यूट करते हैं जी, एग्जीक्यूट करने पे ये एग्जीक्यूट हो गया, अपडेट करने पे एग्जीक्यूट करने पे यहां पे उसने 104 के 30 मार्क्स कर। अब यहां पे मैं क्वेरी रन करता हूं डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, डिलीट क्या करना है जी
मार्क्स लेस देन 33, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ यहाँ से, तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। एग्जीक्यूट करने पे यहाँ पे हम देखते हैं जी, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट सेमीकॉलन, इसको एग्जीक्यूट करते हैं यहाँ से। एग्जीक्यूट करने पे हमें ये शो हो रहा है यहाँ पे 101, 102, 103 एंड 105, जो मार्क्स हमने लेस देन 33 सेट किए थे वो आपकी रो जो है वो डिलीट होगी। तो ये वो मेथड है जिसके जरिए से आप डिलीट कमांड को यूज करते हैं अपने वैल्यूज को डिलीट करने के। प्राइमरी की और फॉरेन की को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, बट अब फॉरेन कीज को हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि फॉरेन कीज होती क्या है। उसके लिए एक एग्जांपल है जी, कॉलेज में रह के आप डेटा सेट क्रिएट करते हैं, जैसे आप पहले डिपार्टमेंट से रिलेटेड डेटा क्रिएट करते हैं, डिपार्टमेंट से रिलेटेड डेटा बेस क्रिएट करते हुए आप एक टेबल क्रिएट करते हैं और टेबल जो है उसमें आप आईडीज और डिपार्टमेंट नेम मेंशन करते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे आईडी जो है वो डिपार्टमेंट में 101, 102 एंड 103 है। अब 101 यहाँ पे हम कह दें कि कोडिंग डिपार्टमेंट है, 102 आपका साइंस डिपार्टमेंट है, 103 आपका आर्ट्स डिपार्टमेंट है। अब यहाँ पे डिपार्टमेंट से रिलेटेड आईडीज का आपने एक टेबल क्रिएट किया। अब यहाँ पे मैं एक और टेबल क्रिएट करता हूँ जो कि टीचर से रिलेटेड, यानी कि आपने ये जो डिपार्टमेंट में टीचर्स हायर किए हैं उनका जो एक टेबल है वो क्रिएट कर लेते हैं जिसमें उनकी इंफॉर्मेशन हम रख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक टेबल क्रिएट करता हूँ और इस टेबल में मैं यहाँ पे टीचर्स की आईडी और उनका नेम और डिपार्टमेंट आईडी जो है वो मैं लिख देता हूँ। अब डिपार्टमेंट आईडी क्या होगी ये देखते हैं। पहले है जी टीचर्स के नेम्स, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कह देता हूँ जी अहमद, हसन, सुबहान, आसिम, ये फोर हमारे टीचर्स हैं और इन फोर टीचर्स की आईडी है जी 101, 102, 103 एंड 104। अब यहाँ पे ये किस किस डिपार्टमेंट में एज अ टीचर जॉब अपनी जो है वो दे रहे हैं, वो है जी अहमद जो है वो 102 डिपार्टमेंट है, हसन इज फ्रॉम 101, सुभान इज आल्सो फ्रॉम 101, आसिम इज फ्रॉम 103। अगर आप यहाँ पे देखें ऑब्जर्व करें तो ये जो आईडी वाला कॉलम है वो यहाँ पे भी मौजूद है और ये इस टेबल में भी मौजूद है। यहाँ पे ये आईडी वाला कॉलम जो है ये एज अ प्राइमरी की आ रहा है, प्राइमरी की, और अगर हम इसी टेबल को लिंक कर दें दूसरे टेबल के साथ तो इस टेबल में टीचर वाले टेबल में ये जो डिपार्टमेंट वाले टेबल में एज अ प्राइमरी की है, इस टेबल में ये एज अ फॉरेन की है। फॉरेन की के तौर पे यहाँ पे ये डिपार्टमेंट आईडी जो है इस टेबल में आएगी और डिपार्टमेंट की आईडी जो है ये रेफरेंसेस करती है जी ये डिपार्टमेंट टेबल में आईडी वाले स्कीमा को, आईडी वाले कॉलम। तो फॉरेन की यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगी, डिपार्टमेंट आईडी रेफरेंसेस के साथ डिपार्टमेंट आईडी, यानी ये डिपार्टमेंट आईडी है आपकी डिपार्टमेंट टेबल में मौजूद आईडी वाला कॉलम, लेकिन ये जो है ये डिपार्टमेंट आईडी आपकी ये स्कीमा को डिफाइन करती है जो कि टीचर वाले टेबल में मौजूद। अब हम इसको MySQL में रन करके देखते हैं। इस MySQL वर्कबेंच में मैंने यहाँ पे जो पहले स्टूडेंट के नेम से टेबल क्रिएट किया था उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे उससे नीचे मैंने डिपार्टमेंट से रिलेटेड टेबल क्रिएट कर लिया है जिसमें लिखा है जी क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट में आईडी जो है वो इंटीजर के तौर पे लिख दी है और इंटीजर में प्राइमरी की है। प्राइमरी की हम डिस्कस कर चुके हैं, यूनिक और नॉट नल एंट्रीज जिसमें हो, नेम आना चाहिए वेर कैर और 50, इसकी मैंने कंस्ट्रेंट दे दिया है, इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने सेकंड टेबल क्रिएट किया है जी टीचर के नाम से, टीचर में आईडी जो है इंटीजर रख दी है मैंने प्राइमरी की और नेम वेर कैर आ गया, डिपार्टमेंट आईडी इंटीजर आए, लेकिन यहाँ पे फॉरेन की के तौर पे ये डिपार्टमेंट आईडी जो है इस डिपार्टमेंट वाले टेबल में से आईडी जो है इसकी डिपार्टमेंट आईडी रेफरेंस करती है, यानी कि ये वाली डिपार्टमेंट आईडी जो आप लिखेंगे यहाँ पे ये रेफरेंस करेगी एज अ फॉरेन की डिपार्टमेंट वाले जो टेबल है उसके आईडी वाले टीमा को। तो इसको भी एग्जीक्यूट कर लेते हैं। इसको एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो रिफ्रेश करने पे मुझे टेबल वाले जो हमारे पास स्कीमा है उसमें दो टेबल्स और नजर आ रहे हैं, एक डिपार्टमेंट स्टूडेंट और टीचर के नाम से। तो इस तरीके से हम अपनी फॉरेन की बना सकते हैं प्राइमरी की से और डिफरेंट टेबल्स को ले। बात करेंगे कैस्केडिंग फॉर फॉरेन की। कैस्केडिंग क्या होता है? कैस्केडिंग होता है कि अगर आपने फॉरेन कीज के तौर पे किसी भी एक और टेबल की प्राइमरी कीज को सेट किया हुआ है और आप ये चाहते हैं कि आपका डेटा जैसे आप प्राइमरी कीज को अपडेट करें फॉरेन कीज जो है वो भी अपडेट हो जाए, और अगर आप प्राइमरी कीज को डिलीट करें तो फॉरेन कीज भी आपकी उसके साथ ही डिलीट होके आपका टेबल जो है वो अपडेट हो, तो उसके लिए कैस्केडिंग यूज की जाती है। कैस्केडिंग दो तरह की है, एक है ऑन डिलीट कैस्केडिंग और एक है ऑन अपडेट कैस्केडिंग। ऑन डिलीट कैस्केडिंग क्या है कि
एक आपकी एक ऐसी कैस्केडिंग की टाइप है जिसमें जब आप प्राइमरी की को डिलीट करते हैं पेरेंट टेबल में से, जिस टेबल में से आपने प्राइमरी की जो है वो किसी दूसरे टेबल में एज अ फॉरेन की आपने सेट की हुई है, तो प्राइमरी की जब आपकी पेरेंट टेबल में से डिलीट होंगी तो चाइल्ड टेबल में प्राइमरी की एज अ फॉरेन की काम कर रही थी वो फॉरेन कीज भी डिलीट हो जाएंगी। ऑन अपडेट कैस्केड क्या है? ऑन अपडेट कैस्केड एक ऐसा कैस्केड की टाइप है जिसमें आप जब अपने प्राइमरी कीज को अपडेट करते हैं, जब आप अपनी प्राइमरी कीज को अपडेट करते हैं किसी एक टेबल में, जिस प्राइमरी की वाले कॉलम को या जिस प्राइमरी की वाले स्कीमा को आपने किसी दूसरे टेबल में एज अ फॉरेन की सेट किया होता है, प्राइमरी की अपडेट करते ही आपकी फॉरेन कीज जो होती है वो भी अपडेट हो जाती है। उसके लिए करना क्या होता है, आप जो टेबल क्रिएट करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे टेबल क्रिएट किया स्टूडेंट के नाम से, इसमें आईडी, कोर्स आईडी लिखी हुई है, टीचर, फॉरेन की लिखी हुई है कोर्स आईडी, जिसको हम डिपार्टमेंट आईडी बोल रहे हैं, रेफरेंसेस डिपार्टमेंट आईडी से रिलेटेड है, उसको हमने ऑन डिलीट कैस्केड और ऑन अपडेट कैस्केड के तौर पे टेबल को क्रिएट करना। तो देखते हैं हम किस तरीके से कैस्केडिंग को यूज करते हैं। टीचर वाले टेबल को ड्रॉप करना, रीजन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ड्रॉप टेबल टीचर को एग्जीक्यूट करते हैं, सबसे पहले हमें टीचर वाले टेबल को ड्रॉप करना, रीजन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ड्रॉप टेबल टीचर को एग्जीक्यूट करते हैं, ये हमने ड्रॉप कर, अब ड्रॉप क्यों किया, रीजन ये है ड्रॉप करने की कि अब हम कैस्केडिंग के अकॉर्डिंग इस टीचर वाला टेबल जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और अगेन यहाँ पे पेस्ट करके मैं इधर से लिखता हूँ जी ऑन अपडेट कैस्केड, ऑन डिलीट कैस्केड। इसको अब मैं रन करता हूँ, एग्जीक्यूट करने पे ये मेरा टेबल जो है वो कैस्केड के अकॉर्डिंग क्रिएट हो जाएगा। अब इसके बाद अब मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज इंसर्ट करता हूँ, पहले डिपार्टमेंट में, इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट, वैल्यूज क्या आएंगी इसमें। अब डिपार्टमेंट में हमारे दो कॉलम्स है, एक आईडी का और नेम का। पहले हम लिखेंगे आईडी, आईडी लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कह देता हूँ 101 और डिपार्टमेंट कह देता हूँ जी साइंस डिपार्टमेंट। सेकेंड वन इज आईडी विद 102 कॉमा कॉमर्स डिपार्टमेंट कॉमा 103 आईटी डिपार्टमेंट। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, फिर करने पे की वैल्यू है, देखते हैं जी टेक्स्ट फ्रॉम डिपार्टमेंट टेबल एग्जीक्यूट करता हूँ, एग्जीक्यूट करने पे ये मुझे 101 साइंस, 102 कॉमर्स और 103 आईटी के डिपार्टमेंट्स के नेम और आईडीज। अब हम टीचर्स की डिटेल थोड़ी ऐड करते हैं, यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ जी इंसर्ट इनटू टीचर, वैल्यूज क्या आनी चाहिए जी, वैल्यू आनी चाहिए जी आपकी 1001 टीचर की आईडी, नेम आना चाहिए यहाँ पे हमारा वेरकेयर के अकॉर्डिंग, यहाँ पे हम लिख देते हैं जी अहमद और आपका आईडी क्या आनी चाहिए ये, इसको मैं कह देता हूँ जी ये 103 डिपार्टमेंट से हैं, 1002 सुभान, 101 डिपार्टमेंट से हैं ये, एंड 1003 आसिम, ये है जी 102 डिपार्ट। तो हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं, एग्जीक्यूट करने पे ये क्लियर है टेबल, सेलेक्ट कर लेते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, तो एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट करने पे हमें ये टेबल शो होता है जिसमें यहाँ पे ये टीचर्स की आईडी है, टीचर्स के नेम और यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी है, ये आपकी फॉरेन की है जो कि डिपार्टमेंट के टेबल से प्राइमरी की आपकी डिपार्टमेंट की आईडी जो है उसको रेफरेंस। अब लेट्स सपोज यहाँ पे मैं कहता हूँ जी अपडेट डिपार्टमेंट टेबल सेट आईडी इक्वल्स 10 इफ देयर आईडी इक्वल्स 10। इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, अब यहाँ पे सिलेक्ट फ्रॉम डिपार्टमेंट देखते हैं जी, तो यहाँ पे 105 आपकी आईडी जो है वो अपडेट हो। अब अगर मैं इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे टीचर डिपार्टमेंट को एग्जीक्यूट करता हूँ, तो यहाँ पे टीचर्स के अकॉर्डिंग में जहाँ पे 103 था वहाँ पे 105 जो है वो आपका अपडेट हो गया। तो ये आपकी कैस्केडिंग का फायदा होता है कि जब आप किसी भी डेटा को डिलीट करते हैं या अपडेट करते हैं तो वो आपका डेटा जो होता है प्राइमरी और फॉरेन की से लिंक्ड डेटा कैस्केडिंग की वजह से ऑटोमेटिकली अपडेट होता है। इसके बाद आती है जी चेंज कॉलम रीनेम, ये जो क्वेरी है इसका मतलब ये है कि आप चेंज कर सकते हैं कॉलम के नेम को, रीनेम कर सकते हैं। तो ये जो चेंज कॉलम रीनेम है इसका मतलब है जस्ट ये कॉलम के नेम को रीनेम करती है। So, यहाँ पे अगर आप किसी भी कॉलम का नेम रीनेम करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे, आल्टर टेबल टेबल नेम, और उसके बाद आप चेंज करके पहले ओल्ड नेम लिखेंगे, फिर उसके बाद न्यू नेम लिखेंगे, न्यू नेम की डेटा टाइप, और डेटा टाइप के बाद आप कंस्ट्रेंट ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम जो स्टूडेंट का डेटाबेस यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट के टेबल में उनकी एज का एक कॉलम है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ इस एज वाले कॉलम को रीनेम करके मैं स्टूडेंट एज लिख दूं। इसके लिए मैं क्या करूंगा, ओल्ड नेम की जगह पे लिखूंगा एज, न्यू नेम की जगह पे आ जाएगा स्टूडेंट एज, और डेटा टाइप इसमें आ जाएगी क्योंकि एज जो होती है वो नंबर्स की फॉर्म में होती है, तो डेटा टाइप आ जाएगी इंटीजर, और यहाँ पे कंस्ट्रेंट है ये आपका डेटा टाइप
टाइप के साथ आ जाएगा नॉट नल, या आप वैसे भी इसको स्टूडेंट एज के बाद इंटीजर तक भी आप इसको लिख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा है जी एज को आपने स्टूडेंट एज में रीनेम कर देना है और उसकी डेटा टाइप जो होगी वो इंटीजर होगी, तो इस तरीके से आप अपने कॉलम को रीनेम कर लेते हैं। उसके बाद आता है जी मॉडिफाई कॉलम। मॉडिफाई आप कॉलम को किस तरीके कर सकते हैं, मॉडिफाई कॉलम का मतलब ये है कि आप मॉडिफाई करना चाहते हैं डेटा टाइप को या कंस्ट्रेंट को। डेटा टाइप या कंस्ट्रेंट को मॉडिफाई करने के लिए आप क्या करते हैं जी, आप अल्टर टेबल करते हैं टेबल का नेम और मॉडिफाई कॉलम नेम। कॉलम नेम के बाद आप न्यू डेटा टाइप लिखते हैं और न्यू कंस्ट्रेंट लिखते हैं। आपके पास एक स्टूडेंट टेबल है जिसको आप यूज कर रहे हैं अपनी प्रैक्टिस फाइल के लिए, तो यहाँ पे आप इसको ये मॉडिफाई करना चाहते हैं अपनी डेटा टाइप को या कंस्ट्रेंट को, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, हम यहाँ पे एज वाले कॉलम को मॉडिफाई करना चाहते हैं। सो यहाँ पे डेटा टाइप की जो या कंस्ट्रेंट को हम मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं इसका डेटा टाइप कह देता हूँ जी एज का इंटीजर से ये वेर कैर आ जाए और वेर कैर में 2 डिजिट्स आ जाए। तो ये 2 डिजिट्स का मतलब ये है कि आपका डेटा जो हो वो जस्ट 2 डिजिट पे डिपेंडेंट हो। 2 डिजिट से ज्यादा होंगे तो वो आपको रिजल्ट आउटपुट में शो नहीं करेगा, आपको एरर शो कर देगा। तो ये आपकी आल्टर में आपकी ये कुछ 5 क्वेरीज हैं जिसमें ऐड कॉलम, ड्रॉप कॉलम, रीनेम कॉलम और उसके बाद चेंज कॉलम और मॉडिफाई कॉलम है। अब हम MySQL Workbench में इसको देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम आल्टर टेबल नेम लिखते हैं, स्टूडेंट ऐड कॉलम करना चाह रहे हैं एज का जिसका डेटा टाइप होना चाहिए इंटीजर नॉट नल, और डिफॉल्ट वैल्यू हम सेट कर देते हैं 20 years। इसको मैं अगर एग्जीक्यूट करता हूं, ये एग्जीक्यूट हो गया। अब इसको हम सिलेक्ट करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो हमारे पास डिफॉल्ट एज जो है वो आपकी 20 आ जाएगी और एज का कॉलम एड हो जाएगा। अब अगर मैं यहीं पर लिख दूं आल्टर टेबल स्टूडेंट और ड्रॉप कॉलम, एज इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करूं तो मेरा वो कॉलम जो होगा वो डिलीट हो जाएगा। अब हम इसको मॉडिफाई करते हैं। अगर यहाँ पे मैं कह दूं मॉडिफाई एज और एज को मॉडिफाई करके यहाँ पे मैं कहता हूँ वेर कैर, अब अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ मैं यहाँ पे लिख दूं जी मॉडिफाई कॉलम, कॉलम का नेम है एज और इसको मॉडिफाई करके लिख दें जी वेर कैर और इसमें आप कंस्ट्रेंट दे दें जी 2 डिजिट्स। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, एग्जीक्यूट करने पे ये मॉडिफाई कॉलम जो है वेर कैर में आ जाए। अब हम इसको चेक करते हैं तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे एजेस, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट्स ही हैं तो 2 डिजिट्स के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे हमारा डेटा शो हो। अब हम यहाँ पे डेटा ऐड करते हैं या कोई वैल्यू ऐड करते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे 105 तक स्टूडेंट्स हैं, तो हम यहाँ पे एक और वैल्यू ऐड कर देते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक या 2 स्टूडेंट्स और आते हैं। अब यहाँ पे मैं इसी स्टूडेंट टेबल में वैल्यूज ऐड करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं लिखूंगा इंसर्ट इंटू स्टूडेंट, स्टूडेंट में मैं यहाँ पे लिख दूंगा रोल नंबर, नेम, मार्क्स और एज। वैल्यूज क्या होनी चाहिए जी, वैल्यूज यहां पे मैं लिख देता हूं जी 106 रोल नंबर आ गया क्योंकि 105 तक पहले हैं। नेम आ जाता है जी आपके, मार्क्स इसके आ जाते हैं जी 68 और एज यहां पे मैं लिख देता हूं जी 102। ये एग्जाम्पल है, रैंडम डेटा है। अगर मैं इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ, हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो चूंकि एज जो है वो ज्यादा है तो यहाँ पे हमें एरर दे देते हैं जी डेटा टू लॉन्ग फॉर कॉलम एज एट रो 1। अगर हम यहाँ पे एज को 25 करके इसको दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट करने पे हमारा ये कोड जो होगा एग्जीक्यूट हो जाएगा। हम सिलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट करते हैं और सिलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट करने के बाद अगेन इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो आपका 106 जो है वो एड हो गया है। अब इसमें ग्रेड नल वैल्यू आ रही है, सिटी जो है वो भी नल वैल्यू आ रही है क्योंकि हमने ग्रेड और सिटी हमने ऐड नहीं की। अब हम चेंज कमांड को यूज करते हुए कॉलम के नेम को रीनेम करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट का जो टेबल है इसमें एज वाला जो कॉलम है, इस एज वाले कॉलम को हम स्टूडेंट एज के नाम से रीनेम करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आल्टर टेबल स्टूडेंट चेंज, क्या करना चाहते हैं हम, एज चेंज करना चाहते हैं। अब न्यू डेटा टाइप लिखना है हमने, यानी कि न्यू कॉलम का नेम लिखना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्टूडेंट एज और यहाँ पे इस नेम की डेटा टाइप लिख देंगे, तो डेटा टाइप इसमें आएगी इंटीजर और इसको मैं सेमी कॉलन लगाने के बाद एग्जीक्यूट करूँ तो एग्जीक्यूट करने पे ये एग्जीक्यूट हो गया है। अब सिलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट करते हैं और इसको एग्जीक्यूट करने पे यहाँ पे एज वाला जो कॉलम था उसका नाम जो है वो रीनेम होके स्टूडेंट एज आ गया। इस तरीके से आप कॉलम को रीनेम कर सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे जो इंसर्ट हमने वैल्यू किया उसके लिए स्टूडेंट स्टूडेंट एज लिखना पड़ेगा। अब अगर हम यहाँ से ड्रॉप कॉलम करना चाहें जो हमने स्टूडेंट एज वाला एड किया है, तो उसके लिए हम लिखेंगे आल्टर टेबल स्टूडेंट ड्रॉप कॉलम स्टूडेंट एज और इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, तो एग्जीक्यूट करने पे मेरा कॉलम जो है वो डिलीट हो गया है। अब सिलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट करते हैं जी यहाँ पे, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो हमारा एज वाला कॉलम जो है वो ड्रॉप हो। तो ये आपकी आल्टर क्वेरी है जिसमें हमने ऐड ड्रॉप और चेंज रीनेम और मॉडिफाई जैसे डिफरेंट क्वेरीज को चेक किया है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रंकेट टेबल के बारे में। ट्रंकेट क्या होता है? ट्रंकेट आपका एक ऐसी कमांड या क्वेरी है जो कि आपके टेबल में मौजूद जो डेटा होता है उसको डिलीट कर देता है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं ड्रॉप और अब हम पढ़ रहे हैं ट्रंकेट। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ड्रॉप जो होता है वो आपके इंटायर टेबल को डिलीट कर देता है, बट जो ट्रंकेट होता है ट्रंकेट टेबल को नहीं डिलीट करता। टेबल के जो स्कीमाज हैं वो वैसे के वैसे ही रहते हैं, बट जो डेटा विद इन टेबल होता है ये उसको डिलीट कर देता है। तो ड्रॉप और ट्रंकेट में फर्क यही है कि ड्रॉप टेबल को डिलीट कर देता है इंटायर टेबल को, लेकिन जो ट्रंकेट होता है वो आपके स्कीमास को वैसे रहने देता है, डिजाइन को वैसे ही रहने देता है, बट जो डिजाइन में जो स्कीमास में डेटा होता है यानी आपके टेबल में मौजूद डिफरेंट जो कॉलम्स हैं उनमें जो डेटा होता है वो सारे सारे डेटा को डिलीट कर देता है। इसके लिए जो हमारी क्वेरी है वो है ट्रंकेट और टेबल नेम। ट्रंकेट टेबल और टेबल नेम हम लिख देते हैं जी स्टूडेंट। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो एग्जीक्यूट करने पे ये टेबल का डेटा जो है वो डिलीट कर देगा। अब यहाँ पे हम सिलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट को एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने पे हमें जस्ट ये यहाँ पे स्कीमास, रोल नंबर, नेम, मार्क्स, ग्रेड और सिटी नजर आ रहे हैं, लेकिन इनमें मौजूद डेटा जो था वो नजर नहीं आ रहा। तो इसने क्या कर दिया? इसने डेटा को डिलीट कर दिया है जो कि टेबल में मौजूद था। हम अपने पुराने डेटा को रीइंसर्ट भी कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे? इंसर्ट वैल्यूज जो है इस पे हम सिलेक्ट करने के बाद इसको एग्जीक्यूट करेंगे, सिलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट करेंगे, तो एग्जीक्यूट करने पे हमें डेटा जो है वो पुराना डेटा को है शो हो जाए। तो इस तरीके से हम ट्रंकेट कर सकते हैं अपने डेटा को जो हमें टेबल में मौजूद डेटा नहीं चाहिए। अब हम बात करेंगे ज्वाइंस इन एसक्यूएल के बारे में। ज्वाइंस क्या होते हैं? ज्वाइंस आपके दो या दो से ज्यादा टेबल्स में से जो रोज में मौजूद डेटा होता है उनको कंबाइन करने के लिए यूज होते हैं। अब रोज में डेटा जो कंबाइन किया जाता है वो आपका किस बेस पे किया जाता है? वो है आपके स्कीमास के अकॉर्डिंग, जो कॉलम्स में आपका डेटा सेट मौजूद होता है उसकी बेस पे ज्वाइन किया जाता है। अब आपके पास डिफरेंट टेबल्स हैं और डिफरेंट टेबल्स में आपके सेम रोज का डेटा जो है वो आप कंबाइन करके शो करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप ज्वाइंस को यूज करते हैं। अब ज्वाइंस को यूज करने के लिए टेबल में फॉरेन कीज होना या प्राइमरी कीज होना जरूरी नहीं है। आप फॉरेन कीज और प्राइमरी कीज के बगैर भी अपने डेटा को ज्वाइन करके शो करवा सकते हैं। तो ज्वाइंस जो हैं वो आपके वेन डायग्राम की तरह होते हैं, यानी कि आप अगर देखें तो आपने वेन डायग्राम जो है वो पढ़ी होंगी मैथ्स में। वेन डायग्राम्स क्या होती हैं? ये आपके डेटा की जो रिलेशन है उसको शो करती हैं। यानी कि अब आपका एक टेबल ए है और एक टेबल बी है, आप इन दोनों टेबल्स को ज्वाइन करवाते हैं तो वो डेटा आपको डिफरेंट मेथड्स के जरिए से या डिफरेंट पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के जरिए से शो किया जाता है। अब अगर तो आपका डेटा वो तमाम वैल्यूज जो कि ओवरलैप करती हुई उनके अकॉर्डिंग आपको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, यानी कि अब टेबल ए और टेबल बी है, इन दोनों टेबल्स में वो तमाम वैल्यूज जो ओवरलैप कर रही होंगी वो उनका डेटा शो करवाएगा, बाकी डेटा नहीं शो करवाता, तो ये आपका देखें तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग दो सर्कल्स के ओवरलैप करने से जो उनके दरमियान में शेडेड रीजन है उसके जरिए से शो करवा रहा है कि यहां पे वो वैल्यूज हैं जो कि इन दोनों कॉलम्स में मौजूद हैं। तो इस तरीके की जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होगी या इस तरीके का जो ज्वाइन होगा जिसके जरिए से जस्ट ओवरलैप करती हुई वैल्यूज जो हैं वो आपको आउटपुट में शो की जाएंगी उसको इनर ज्वाइन बोलते हैं। इसके बाद हमारी आउटर ज्वाइन की जो है टाइप आती है, और आउटर ज्वाइन में आपके पास तीन डिफरेंट टाइप्स होती हैं जिनमें लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन और फुल ज्वाइन है। अब लेफ्ट ज्वाइन क्या है? आपके पास एक टेबल ए है और एक टेबल बी है। अब इसको आप टेबल ए को और टेबल बी को आप ज्वाइन करवा रहे हैं। टेबल ए और टेबल बी को ज्वाइन करवाते हुए जब जब आप लेफ्ट ज्वाइन की कमांड देते हैं या जब आप लेफ्ट ज्वाइन करवाना चाहते हैं दोनों टेबल्स को, तो जो लेफ्ट साइड पे कॉलम मौजूद है यानी कि आपका ये वाला ए कॉलम जो है इसकी वो तमाम वैल्यूज को शो कर दे और बी कॉलम की वो वैल्यूज को शो कर दे जो कि ओवरलैप कर रही है। आप यहाँ पे इस डायग्राम के जरिए भी देख सकते हैं कि ये ए को पूरे को शेड किया हुआ है और बी के जस्ट उस पार्ट को शेड किया है जो कि ओवरलैप कर रहा है। तो यहाँ पे ए की तमाम वैल्यूज और आपके जो बी कॉलम है उसकी जस्ट ओवरलैप करती हुई वैल्यूज को अगर शो करवाएगा आउटपुट के तौर पे, तो वो आपका ज्वाइन का जो प्रोसेस होगा वो आपका लेफ्ट ज्वाइन कहलाएगा। अगर आपका ए और बी टेबल में उन वैल्यूज को ओवरलैप करके आउटपुट में शो करवाए जो कि आपकी ए और बी में ओवरलैप कर रही है, और उसके अलावा जस्ट बी की वैल्यूज जो के ओवरलैप करने के अलावा मौजूद है उनको शो करवाएगा, तो ये आपके बी टेबल के राइट साइड पे मौजूद होने की वजह से या बी टेबल के बाद में आप जो एक्सप्लेन करते हैं उसकी डिटेल
उसकी वजह से आपकी आउटपुट जो है वो राइट ज्वाइन के अकॉर्डिंग शो करवाएगा। अब अगर आप इसमें देखें तो ये फुल ज्वाइन में क्या है कि जैसे ए और बी को लेफ्ट ज्वाइन के जरिए से और ए और बी को राइट ज्वाइन के जरिए से ज्वाइन करवाया है, उसके अकॉर्डिंग ये लेफ्ट रीजन और राइट रीजन और ओवरलैपिंग रीजन को अगर सारे को शेड कर दे तो इसमें ये बता रहा है कि ये वो वैल्यूज हैं जो कि ओवरलैप नहीं कर रही, ये वो वैल्यूज हैं जो ओवरलैप बी टेबल की नहीं कर रही, लेकिन ये वाली जो वैल्यूज हैं वो सारी वो वैल्यूज हैं जो कि ओवरलैप कर रही हैं बिटवीन ए एंड बी टेबल। तो ये ज्वाइन करने का प्रोसेस होगा, इसको हम फुल ज्वाइन बोलते हैं। अब हम डिटेल में इन सभी को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अब इनर ज्वाइन क्या करता है, जैसा कि हम इस लास्ट स्लाइड में देख चुके हैं कि इनर ज्वाइन में आपकी जस्ट ओवरलैप करती हुई वैल्यूज जो हैं वो शो की जाती हैं आउटपुट में। तो अब यहाँ पे क्या करता है, रिटर्न रिकॉर्ड्स दैट हैव मैचिंग वैल्यूज इन बोथ टेबल्स। आपके पास दो टेबल्स हैं तो उन दो टेबल्स में जो मैच करती हुई वैल्यूज होंगी जस्ट ये उन्हीं को शो करवाएगा। अब कैसे, इसके लिए हम सेंटेंस जो है लिखना है, उसके लिए सिलेक्ट हमने कॉलम्स कर लेने हैं दोनों टेबल्स में से, टेबल ए में से और टेबल बी में से हमने कॉलम सिलेक्ट कर लेने हैं। तो फिर हमने कहना है कि टेबल ए और बी में से जो हमने कॉलम सिलेक्ट किए हैं उनमें टेबल ए और टेबल बी पे ये इनर ज्वाइन करते हैं, यानी कि फ्रॉम टेबल ए। फ्रॉम टेबल ए मींस ये आपका टेबल वो है जो कि लेफ्ट साइड पे अलाइन है और ये इनर ज्वाइन कर दे टेबल बी पे, यानी कि ये आपका राइट साइड पे टेबल मौजूद है। तो जब ये इन पे इनर ज्वाइन करेगा अप्लाई, तो वहां पे आपने कौन सी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इनर ज्वाइन करवाना है। आप कह रहे हैं कि टेबल ए में से कॉलम के नेम को आप स्पेसिफिक कोई कॉलम कह दें, उसके नेम को इक्वल करके या इसकी आउटपुट करके दिखाए अगर टेबल बी में भी आपकी कॉलम जो आप स्पेसिफाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज मौजूद हैं तो उनके अकॉर्डिंग इनर ज्वाइन करके आउटपुट दे दें। आउटपुट क्या देता है उसके लिए, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैंने एक एम्प्लॉय का टेबल और एक डिपार्टमेंट का टेबल जो है वो लिखा है। अब एम्प्लॉय के टेबल को अगर मैं लेफ्ट अलाइन कर दूं, यानी कि लेफ्ट टेबल और ये वाला मेरा डिपार्टमेंट वाला राइट टेबल हो, तो लेफ्ट और राइट ज्वाइन के लिए हम यहाँ पे ये लेफ्ट टेबल और राइट टेबल पे जो है हमारे पास एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट का टेबल रिस्पेक्टिवली हमारे पास प्लेस है। अब यहाँ पे एम्प्लॉय वाले टेबल में एम्प्लॉयज की आईडी है, उनके नेम्स हैं और डिपार्टमेंट आईडीज हैं, और ये डिपार्टमेंट आईडीज किससे रेफर की गई हैं, ये है आपके पास एक डिपार्टमेंट का टेबल जिसमें डिपार्टमेंट्स के नेम्स और उनके अकॉर्डिंगली यहाँ पे हमारे पास डिपार्टमेंट्स की आईडी मौजूद है। अब यहाँ पे इस डेटा के अकॉर्डिंग मैं ये कहता हूँ कि आप सेलेक्ट कर लें एम्प्लॉय वाले टेबल में से नेम्स को, और एम्प्लॉय वाले टेबल में से नेम कौन सी है, ये वाली टेबल का कॉलम स्कीमा जो है नेम वाला स्कीमा, और डिपार्टमेंट वाले टेबल में से आप नेम को चूज कर लें जो कि डिपार्टमेंट नेम है। अब ये वाला डिपार्टमेंट नेम है, यहाँ पे आएगा डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट नेम को सिलेक्ट कर ले। तो उसके बाद क्या करें, एम्प्लॉय वाले टेबल में से यहां से फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड ये ज्वाइन करें, किस तरीके से एम्प्लॉय वाले टेबल से डिपार्टमेंट वाले टेबल में, ऑन किस बेसिस पे, एम्प्लॉय वाले टेबल की डिपार्टमेंट आईडीज जो हैं, ये वाली डिपार्टमेंट आईडी वाला जो कॉलम है इससे जो डिपार्टमेंट की आईडी है इसके अकॉर्डिंग। अब ये बेसिस हैं, वो कह रहा है कि डेटा आपने जस्ट जो आप आउटपुट में शो करना है वो आपने ज्वाइन को परफॉर्म करने के बाद, ज्वाइन के प्रोसेस को परफॉर्म करने के बाद एम्प्लॉय वाले टेबल में नेम्स और जो डिपार्टमेंट वाला टेबल है उसमें से डिपार्टमेंट के नेम्स को आपने आउटपुट के रिजल्ट के तौर पे शो करना है। जो प्रोसेस है आपने वो परफॉर्म करना है डिपार्टमेंट आईडी जो एम्प्लॉय वाले टेबल में है, एम्प्लॉय वाले टेबल में डिपार्टमेंट आईडी, और जो आपके पास डिपार्टमेंट्स वाला टेबल है उस टेबल में से डिपार्टमेंट की आईडी जो है इस पे आपने परफॉर्म करना है अपना इनर ज्वाइन, और जो आउटपुट आपने शो करनी है वो जस्ट इन दो कॉलम्स के अगेंस्ट करनी है जो कि एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट नेम है। अब यहाँ पे जब वो इनर ज्वाइन कर देता है तो अगर आप आउटपुट में देखें तो यहाँ पे अहमद एचआर, हसन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और सुभान जो है मार्केटिंग डिपार्टमेंट में आ रहा है। अब ये किस तरीके से आ रहा है, अगर हम देखें तो यहाँ पे ये डिपार्टमेंट आईडी 5011 जो है ये वाली डिपार्टमेंट आईडी के अकॉर्डिंग है, 5012 इस डिपार्टमेंट आईडी के अकॉर्डिंग है, ये नल वैल्यू है, बट ये वाली 5013 डिपार्टमेंट की आईडी इस 5013 डिपार्टमेंट की आईडी के इक्वल है। इट मींस कि आपका ये जो 103 एम्प्लॉय आईडी है इसका डेटा डिपार्टमेंट वाले टेबल में डिपार्टमेंट की आईडी के अकॉर्डिंग नहीं मैच हो रहा, इसलिए उसने इस कॉलम में मौजूद
इसलिए उसने ये 1003 वाले एम्प्लॉय आईडी वाली जो रो है उसके डेटा को आउटपुट में शो नहीं किया। और यहाँ पे हमारे पास डिपार्टमेंट्स वाले टेबल में 5014 के अगेंस्ट जो एम्प्लॉय वाला टेबल है उसमें डेटा नहीं मौजूद। सो उसने ये वाली दो रोज को एक्सक्लूड करते हुए बाकी सारे डेटा को इनर ज्वाइन परफॉर्म करके जो हमने स्पेसिफाई किया था कि किस किस एक्टिव डेटा के अकॉर्डिंग आउटपुट देनी है वो आउटपुट हमें शो कर रहा है। और आउटपुट हमें आ रही है यहाँ पे अहमद एचआर डिपार्टमेंट में है बिकॉज अहमद के अकॉर्डिंग जो डिपार्टमेंट आईडी है वो 5011 है। उसके बाद हसन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में है क्योंकि 5012 जो है हसन की डिपार्टमेंट आईडी है जो कि यहाँ पे डिपार्टमेंट वाले टेबल में इंजीनियरिंग को शो करती है। और सुभान की जो आईडी है वो 5013 आ रही है जो कि 5013 डिपार्टमेंट वाले टेबल में हमें मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट आईडी से रेलिवेंट शो करती है। इसका मतलब हमारी आउटपुट जो होगी वो कुछ हमें इस तरीके से शो होगी एक्सक्लूडिंग द नंबर ऑफ रोज और एक्सक्लूडिंग द डेटा फ्रॉम दोज रोज दैट आर नॉट मैचिंग इन बिटवीन दीज टू टेबल्स। अब इसके बाद है लेफ्ट ज्वाइन। लेफ्ट ज्वाइन क्या है? लेफ्ट ज्वाइन में हमारे पास एक टेबल ए है और एक टेबल बी है। ये आपका टेबल ए लेफ्ट प्लेस्ड है और ये आपका टेबल बी राइट प्लेस्ड है। अब यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन में क्या है कि रिटर्न्स आर रिकॉर्ड्स फ्रॉम द लेफ्ट टेबल एंड मैच रिकॉर्ड्स फ्रॉम द राइट टेबल। ये लेफ्ट साइड वाला टेबल है इसके रिकॉर्ड्स को मैच करता है राइट साइड वाले टेबल पे। अब इस एग्जांपल में हमारे पास एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट का टेबल यहाँ पे मौजूद है। अब यहाँ पे हम कमांड क्या देते हैं, सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम्स, यहाँ से अगेन नेम्स को सिलेक्ट कर ले और इधर से डिपार्टमेंट नेम्स को सिलेक्ट कर ले और फ्रॉम एम्प्लॉय टू डिपार्टमेंट राइट ज्वाइन करना। एम्प्लॉय टू डिपार्टमेंट राइट ज्वाइन करने का मतलब डिपार्टमेंट से आएगा आपका एम्प्लॉय पे राइट ज्वाइन आएगा। बताया तो ये है कि फ्रॉम एम्प्लॉय टू डिपार्टमेंट, अब ये आपका लेफ्ट साइड पे है और ये आपका राइट साइड पे है। और जब आपको यहां पे बता दिया है फ्रॉम एम्प्लॉय राइट ज्वाइन करना है डिपार्टमेंट से, तो इसका मतलब ये है डिपार्टमेंट से आएगा ज्वाइन प्रोसेस। तो इन कॉलम्स के अकॉर्डिंग ये ज्वाइन प्रोसेस आ रहा है। तो यहां पे आप ये देखें कि जब हम राइट ज्वाइन करवाते हैं अपने डिपार्टमेंट आईडी से रिलेटेड, यहां पे सेम जो दो स्कीमास हैं इन दोनों टेबल्स में उनके अकॉर्डिंग जब हम प्रोसेस करवाते हैं राइट ज्वाइन का, तो हमें आउटपुट आ जाती है अहमद 5011 के अकॉर्डिंग ये एचआर डिपार्टमेंट, हसन इंजीनियरिंग, सेल्स डिपार्टमेंट आ गया। अब लेकिन सेल्स डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग यहां पे वैल्यू नहीं आई क्योंकि सेल्स डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग आपका डेटा मौजूद नहीं है, जबकि यहां पे आपका सुभान का डेटा मौजूद है 5013, वो डेटा आपको यहां पे शो हो रहा है। अब इस डेटा को यहाँ पे ये आउटपुट में दे देता है। इसका मतलब ये है कि इसने जो आपके डिपार्टमेंट वाले टेबल में वैल्यूज मौजूद थी उनको शो करवाया है एज एन आउटपुट, और आपके जो एम्प्लॉय वाले टेबल में ओवरलैप करती हुई वैल्यूज थी वो शो करवाई हैं, जिसकी वजह से इसको हम बोलते हैं कि राइट ज्वाइन का ये प्रोसेस है। इसके बाद आता है हमारे पास फुल ज्वाइन। फुल ज्वाइन क्या होता है? रिटर्न आर रिकॉर्ड्स व्हेन देयर इज अ मैच इन इधर लेफ्ट और राइट टेबल। अब आपके दो टेबल्स हैं, एम्प्लॉय का टेबल और इसके अलावा आपके पास है डिपार्टमेंट्स का टेबल। अब अगर तो आप लेफ्ट ज्वाइन प्रोसीड कर रहे हैं या राइट ज्वाइन प्रोसीड कर रहे हैं, तो आपको जस्ट लेफ्ट वाले के अकॉर्डिंग और राइट वाले के अकॉर्डिंग जो मैच करती हुई वैल्यूज होंगी वो रिजल्ट के तौर पे आउटपुट में आपको शो होगी। लेकिन फुल ज्वाइन में अगर तो आपका लेफ्ट ज्वाइन आ रहा है इसके अकॉर्डिंग मैचिंग वैल्यूज आ रही है या राइट ज्वाइन करते हुए मैचिंग वैल्यूज आ रही है, सिर्फ वो नहीं शो होंगी, सारी वैल्यूज शो होंगी, चाहे वो आपके लेफ्ट ज्वाइन में मैच कर रही है या राइट ज्वाइन में मैच कर। इसका मतलब सारी की सारी वैल्यूज उनमें जो ओवरलैप करती हुई और जो ओवरलैप नहीं करती हुई नॉन ओवरलैपिंग वैल्यूज, वो तमाम की तमाम वैल्यूज जो होंगी वो आपको रिजल्ट में शो हो जाएंगे। तो यहां पे हम क्या करते हैं, इसके लिए आप पहले लेफ्ट ज्वाइन परफॉर्म करते हैं, ये हमारे लेफ्ट ज्वाइन परफॉर्म करने का सारा जो है सेंटेक्स है। उसके बाद आप राइट ज्वाइन परफॉर्म करते हैं और लेफ्ट और राइट ज्वाइन परफॉर्म करने के बाद आप उनका लेते हैं यूनियन। यूनियन क्या होता है? यूनियन आपकी बेसिकली वो तमाम वैल्यूज होती हैं जो कि आपके टेबल ए में आ रही है या टेबल बी में आ रही है, दोनों टेबल्स में आ रही है। जैसा कि हमने पढ़ा है अपनी मैट्रिक की क्लासेस में, उसमें ये होता है कि अगर ए सेट आपको दिया है जिसमें वैल्यूज हैं 1 2 3 4 और एक बी सेट है जिसमें वैल्यूज हैं 4 5 एंड 6, तो यहाँ पे ए यूनियन बी क्या करता है, ये आपके सेट ए की तमाम वैल्यूज 1 2 3 4
और सेट बी की तमाम वैल्यूज को लिखता है, लेकिन जो वैल्यूज यहाँ पे ओवरलैप करती हुई होंगी उनको जस्ट वन टाइम कंसिडर करेगा। तो यहाँ पे 4, 5 एंड 6 आ जाएगा, तो ये ए यूनियन बी का रिजल्ट आ जाएगा। तो सेम लाइक दिस वैल्यू पहले हम लेफ्ट ज्वाइन परफॉर्म करते हैं, उसके बाद राइट ज्वाइन परफॉर्म करके हम इन दोनों का यूनियन परफॉर्म करते हैं, जिससे हमें फुल ज्वाइन की आउटपुट आ जाती है। अब इसके लिए हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल ये है कि एक एम्प्लॉय का टेबल है और एक डिपार्टमेंट का टेबल है। जब हम इन दोनों का जो है फुल ज्वाइन परफॉर्म करवाएंगे आफ्टर परफॉर्मिंग लेफ्ट और राइट ज्वाइन और टेकिंग द यूनियन ऑफ लेफ्ट ज्वाइन एंड राइट ज्वाइन, तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आएगी कि एम्प्लॉय आईडीज आ जाएंगी सारी हमारे पास 1, 2, 3, 4 जो है एम्प्लॉय आईडीज के अगेंस्ट एम्प्लॉयज के नेम्स आ जाएंगे और उनके नेम्स के साथ ही उनकी जो है डिपार्टमेंट आईडी आ जाएगी जिस डिपार्टमेंट में वो काम करते हैं। ज्वाइन से रिलेटेड जो हम पहले एग्जांपल्स को डिस्कस कर रहे थे, अब हम उनको MySQL के वर्कबेंच में परफॉर्म करके देखेंगे कि उनको किस तरीके से हम आउटपुट को चेक करते हैं और कैसे हम ज्वाइंस को परफॉर्म करते हैं। ज्वाइंस को परफॉर्म करने के लिए हम पहले एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं, क्रिएट डेटाबेस इंडस्ट्री के नाम से हम एग्जीक्यूट करते हैं और आप देखें यहाँ पे ये ग्रीन टिक आ गया, और ये ग्रीन टिक जो है किस चीज की अलामत है, ये आपको बताता है कि आपका कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो गया है। अब इस डेटाबेस को यूज करते हुए हम क्रिएट करेंगे दो टेबल्स, एक डिपार्टमेंट्स का और एक एम्प्लॉयज का। उस डेटाबेस में टेबल्स को क्रिएट करने के लिए हम लिखेंगे यूज, इस डेटाबेस का नेम, हमने इस डेटाबेस को यूज करना है और कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस किया तो ये हमारा डेटाबेस यूज हो रहा है। अब इसके बाद टेबल क्रिएट करते हैं जी, क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम है जी पहले एम्प्लॉयज का, और इस टेबल में वैल्यूज क्या आनी चाहिए के लिए मैं एंटर प्रेस करता हूँ। सबसे पहले हम लिखते हैं जी एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी क्या आ जाएगी हमारी नंबर्स की फॉर्म में होती है तो इसलिए इसका डेटा टाइप होगा इंटीजर। एम्प्लॉय आईडी के बाद एम्प्लॉय नेम, और एम्प्लॉय नेम जो है वो वेर कैर इसका डेटा टाइप है, और कंस्ट्रेंट इसका हम 50 कर देते हैं। इसके बाद डिपार्ट आईडी, और इसकी डेटा टाइप जो है वो भी नंबर्स है, सो इंटीजर डेटा टाइप आ जाएगी इसकी। इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये हमारा टेबल क्रिएट हो गया। अब इस टेबल में अगर हम देखें तो वैल्यूज ऐड करनी है। वैल्यूज ऐड करने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं इंसर्ट इनटू, क्या हमने इंसर्ट करना है और किस में करना है, पहले हम लिखेंगे आपका जो टेबल है एम्प्लॉयज, वैल्यूज क्या होनी चाहिए, इसके लिए हम पेरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे यहाँ पे है पहला कीमा एम्प्लॉय आईडी के नाम से, इट मींस पहले एम्प्लॉय की आईडी आएगी। यहाँ पे हम एम्प्लॉय आईडी लिखते हैं जी 1001 कॉमा, इसके बाद है जी एम्प्लॉय नेम, तो एम्प्लॉय नेम हम यहाँ पे लिख देते हैं जी अहमद, एंड देन डिपार्ट आईडी, डिपार्टमेंट आईडी विल बी 5011 ब्रैकेट क्लोज सेमी कॉलन, इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये हमारी वैल्यू ऐड हो गई है। अब इसको भी मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, एग्जीक्यूट हो करके हमारी ये वैल्यूज ऐड हो गई हैं। अब यहाँ पे हम लिखेंगे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉयज, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये आउटपुट में मुझे टेबल शो करवा रहा है। ये टेबल जो है आपका जो आपने एम्प्लॉय का टेबल क्रिएट किया है उसमें उसमें जो तीन कॉलम्स आपने ऐड किए हैं, तीन स्कीमाज आपने ऐड किए हैं एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट आईडी के नाम से, ये आपका वो टेबल क्रिएट हो चुका है। अब हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं डिपार्टमेंट्स का टेबल, तो उसके लिए लिखते हैं क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट्स, और इसमें वैल्यूज क्या होंगी डिपार्ट आईडी और डिपार्टमेंट आईडी इंटीजर की फॉर्म में। के बाद आ जाता है हमारे पास डिपार्टमेंट नेम के नाम का कॉलम, डिपार्ट नेम, नेम क्या है जी वो आपके वेर कैर की फॉर्म में, और इसका कंस्ट्रेंट आ जाएगा 50 को। तो मैं एग्जीक्यूट करता हूं तो ये मेरा टेबल भी क्रिएट हो गया। हम इसमें वैल्यूज ऐड करेंगे, वैल्यूज ऐड करने के लिए इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट्स, और डिपार्टमेंट्स में हमने कौन सी वैल्यू ऐड करनी है तो उसके लिए हम लिखेंगे वैल्यूज, वैल्यूज के अकॉर्डिंग अगर हम देखें हमारा पहले है आईडी का 5011 और कॉमा फर्स्ट डिपार्टमेंट है जी आपका एचआर का, मैं ब्रैकेट क्लोज इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये वैल्यू ऐड हो गई है। अब ये नेम्स जो हैं डिपार्टमेंट्स के जो हमने एग्जांपल में डिस्कस किए थे उन्हीं एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग है, लेकिन अगर कोई नेम आगे पीछे हो जाए तो इसने कंफ्यूज नहीं होना। इसको आपने ये कंसीडर करना है कि आपका ये एक जनरल फॉर्म ऑफ डेटा है, आप उसको यूज कर रहे हैं, यहाँ पे आप कोई भी चीज ऐड कर सकते हैं, अपना कोई भी डिपार्टमेंट ऐड कर सकते हैं और उसको आप एग्जीक्यूट करके चेक कर सकते हैं। अब मैंने ये जो टेबल बना लिया है, अब इसमें मैं कहता हूँ कि मुझे ये टेबल चेक करना है तो इसको हम लिखेंगे सिलेक्ट टार फ्रॉम डिपार्टमेंट्स, इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये हमारा डिपार्टमेंट के नाम से जो टेबल है वो क्रिएट हो चुका है। अब हम ज्वाइंस को परफॉर्म करते हैं, टेबल्स हमारे क्रिएट हो गए हैं, ज्वाइंस को परफॉर्म कैसे करना है वो हमारे पास दो डिफरेंट मेथड्स हैं, इजी मेथड्स हैं, आउटपुट के हवाले से ये दो डिफरेंट कैटेगरीज हैं। उसके लिए मैं लिखता हूं कि सिलेक्ट स्टार सारे डेटा को सिलेक्ट कर ले फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल्स, एम्प्लॉयज टेबल परफॉर्म करे इनर ज्वाइन इस पे डिपार्टमेंट्स के टेबल में। इस तरीके से ऑन को हम बोलते हैं कि ये कंडीशन है। अब कंडीशन क्या है कि एम्प्लॉय के टेबल से डिपार्टमेंट आईडी
इसको और कंसीडर करें डिपार्टमेंट्स के टेबल में से डिपार्ट आईडी को, इनके अकॉर्डिंग इनर ज्वाइन परफॉर्म करें। के सेमी कॉलन लगा के इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो ये आपकी आउटपुट जो है वो यहां पे शो कर रहा है। अब ये आउटपुट में आपके पास आया है एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम। अब यहां पे अगर आप देखें तो हमारे पास जो दोनों टेबल्स थे एम्प्लॉय का और जो डिपार्टमेंट्स के नाम से है, ये दोनों टेबल्स आपके जो थे वो किस चीज पे बेस कर रहे थे, फोर नंबर ऑफ रोज पे। लेकिन यहां पे हमें जो नंबर ऑफ रोज आई हैं आउटपुट में वो थ्री नंबर ऑफ रोज आई हैं। अब हम इसको देखते हैं कि इसको ऑब्जर्व करते हैं ये क्यों ऐसे आई हैं। इनर ज्वाइन के अकॉर्डिंग हमने ये देखा था एग्जाम्पल को डिस्कस करते हुए कि ये आपकी वो तमाम वैल्यूज को एज एन आउटपुट कंसिडर करता है जो कि दोनों टेबल्स में ओवरलैप कर रही होती है। हमने ये इसको कमांड दी कि डिपार्टमेंट आईडी दोनों टेबल से डिपार्टमेंट आईडी के कॉलम्स को कंसिडर करते हुए उनपे इनर ज्वाइन परफॉर्म करें। तो आपका ये डिपार्टमेंट आईडी जहां जहां ओवरलैप कर रही थी उसने उनको ओवरलैप करती हुई सारी वैल्यूज को कंसिडर कर। नेक्स्ट स्टेप इज कि आपको आउटपुट किस स्पेसिफिक मेथड में दे। हमने यहां पे कंसिडर किया था सिलेक्ट ऑल। जब हमने सिलेक्ट ऑल सिलेक्ट किया इट मींस कि आपके दोनों टेबल्स में जो ओवरलैप करती हुई वैल्यूज हैं वो पूरे के पूरे टेबल्स में से वो वैल्यूज को कंसीडर करते हुए वो आपको आउटपुट दे। उसके अकॉर्डिंग यहां पे आपको तीनों रोज और तीनों रोज में जो डेटा है जो आपकी इनर ज्वाइन के लिए स्पेसिफाइड वैल्यूज को ओवरलैप करते हुए आया है वो आपको तमाम उन तीन ओवरलैप्ड वैल्यूज के अकॉर्डिंग आंसर जो है आउटपुट के तौर पे दे देता है। अब इसका सेकंड मेथड क्या है? सेकंड मेथड में एक आउटपुट का मेथड डिफरेंट हो जाता है बट प्रोसेस वही है। अब यहां पे मैं इस चीज को ही कॉपी करता हूं, कॉपी करके यहां पे मैं पेस्ट कर लेता हूं और मैं ये कहता हूं कि यहां पे पूरे टेबल्स को नहीं आपने आउटपुट में शो करवाना, आपने शो करवाना है एम्प्लॉयज के टेबल से एम्प्लॉय नेम को और डिपार्टमेंट्स के टेबल से आपने लेना है डिपार्ट नेम को। तो इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करवाऊं यहां पे ये मुझे एरर दे रहा है, सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम डिपार्टमेंट नेम को फ्रॉम एम्प्लॉयज इनर जॉइन डिपार्टमेंट्स ऑन एम्प्लॉय डिपार्टमेंट आईडी। डिपार्टमेंट आईडी जो है ये क्या करें, अननोन कॉलम आपका एम्प्लॉय का एम्प्लॉय। अब यहां पे एम्प्लॉय लिखा हुआ है में आएगा एम्प्लॉयज क्योंकि हमारा नेम जो है यहां पे एम्प्लॉयज। दिस वन इज द एरर। अब हम इसको दोबारा एग्जीक्यूट करवाते हैं। एग्जीक्यूट करवाने पे हमारा ये जो यहाँ पे डेटा है अब किस तरीके से आउटपुट के तौर पे आ रहा है, अब ये हमारा डेटा आउटपुट के तौर पे इस तरीके से आ रहा है कि हमें आउटपुट जस्ट एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय नेम के अकॉर्डिंग जो डिपार्टमेंट नेम है वो शो कर रहा है। अब यहाँ पे डिफरेंट किस तरीके से आई है आउटपुट, पहले हमने इस एग्जाम्पल में ये बोला था कि आपने सारे डेटा को सिलेक्ट करना, उसमें से एम्प्लॉयज और डिपार्टमेंट का जो दोनों टेबल्स का डेटा उस पर इनर ज्वाइन परफॉर्म करना है। स्पेसिफिक सिचुएशन दे दी, एम्प्लॉयज वाले कॉलम में से आपने डिपार्टमेंट आईडी लेनी है और डिपार्टमेंट वाले टेबल में से आपने डिपार्टमेंट आईडीज को लेके उनके अकॉर्डिंग आपने इनर ज्वाइन परफॉर्म करना है। और जो रिजल्ट है आपने किस फॉर्म में देना है, जो आपका सारे का सारा डेटा होगा दोनों टेबल्स के अकॉर्डिंग उसको यूज करते हुए। लेकिन यहां पे हमने ये बोला कि एम्प्लॉयज का जो टेबल है उसमें से एम्प्लॉय नेम को और डिपार्टमेंट का टेबल जो है उसमें से डिपार्टमेंट के नेम को आपने कंसीडर करते हुए आउटपुट देनी है, बट द रेस्ट ऑफ ऑल द प्रोसेस विल बी सेम फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ आउटपुट। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारी आउटपुट जो है वो जस्ट फॉलोइंग द एम्प्लॉय नेम एंड डिपार्टमेंट नेम इसी के अकॉर्डिंग आई। इस तरीके से आपके दो मेथड्स हैं इनर ज्वाइन को परफॉर्म करने के, कोई इशू नहीं है, दोनों इजी हैं, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। अब मैं इसी को सिलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करके यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ और इसको मैं लेफ्ट ज्वाइन परफॉर्म करने के लिए, लेफ्ट ज्वाइन। अब लेफ्ट ज्वाइन परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो इसके अकॉर्डिंग ये फिर क्या करता है जी, यहाँ पे हमें दोनों टेबल्स में से ओवरलैप करती हुई वैल्यूज और लेफ्ट टेबल की सारी वैल्यूज दे रहा है। जो आपका डेटा मौजूद होगा एम्प्लॉय वाले टेबल में और उसमें वो वैल्यूज जो ओवरलैप कर रही हैं आपके डिपार्टमेंट वाले टेबल में और उसके अलावा वो तमाम वैल्यूज जो ओवरलैप नहीं कर रही उन सभी को एज एन आउटपुट कंसीडर करते हुए वो लेफ्ट ज्वाइन में आपको आउटपुट जो है वो दे देगा। अब इसमें 1001, 1002, 1003 और 1004 का जो डेटा आ गया, अहमद हसन आसिम और सुभान का डेटा आ रहा है, लेकिन यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी 5011, 5012, नल 5013। ये नल क्यों आ रहा है यहाँ पे? अब नल इसलिए आ रहा है कि आसिम का डिपार्टमेंट आईडी नहीं था मेंशन। अगर डिपार्टमेंट आईडी नहीं मेंशन था तो डिपार्टमेंट के टेबल में डिपार्टमेंट आईडी से ये ओवरलैप नहीं कर रहा, इसलिए यहाँ पे नल वैल्यूज आ गई। और अगर डिपार्टमेंट आईडी नहीं है तो इट मींस के डिपार्टमेंट का नेम नहीं स्पेसिफाई, तो यहाँ पे भी नल वैल्यूज आ रही। तो ये है आपका लेफ्ट ज्वाइन का आउटपुट। अब मैं इस सेकंड वाले मेथड को यूज करते हुए यहाँ पे मैं राइट ज्वाइन परफॉर्म करता हूँ। राइट ज्वाइन के अकॉर्डिंग आपका डेटा यहाँ पे क्या शो होता है आउटपुट के तौर पे, ये आउटपुट के तौर पे आ रहा है अहमद एचआर डिपार्टमेंट, हसन मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सुभान सेल्स डिपार्टमेंट,
एंड नल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। अब ये राइट ज्वाइन में ये सारी की सारी वैल्यूज आ रही हैं जो कि डिपार्टमेंट वाले टेबल में डिपार्टमेंट्स के नेम के अकॉर्डिंग है, बट हमें इंप्लॉय का नेम नहीं आ रहा एक का। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि उसके रेलिवेंट फील्ड में जो उसका जो डिपार्टमेंट आईडी वाला कॉलम था उसमें नल था, वैल्यू नहीं थी, इसलिए उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नल ही शो हो रहा है। तो आप इसको, आप ये राइट ज्वाइन वाले को इस फर्स्ट वाले मेथड से भी परफॉर्म कर सकते हैं और इस राइट वाले मेथड से भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन को कॉपी कर लिया है, इसको मैं इधर पेस्ट करके इधर इधर इसको अगेन कॉपी करता हूँ और इधर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ राइट ज्वाइन, और राइट ज्वाइन के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूनियन। अब इसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए मैं सारे डेटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे कंट्रोल और एंटर प्रेस करता हूँ तो ये हमारी आउटपुट आ जाती है। और आउटपुट में फुल ज्वाइन के बाद क्या हमें डेटा शो हो रहा है वो ये बता रहा है कि अहमद एचआर से, हसन मार्केटिंग से, आसिम जो है वो किसी स्पेसिफाइड डिपार्टमेंट से नहीं क्योंकि डिपार्टमेंट आईडी नहीं थी, और सुभान जो है वो सेल्स डिपार्टमेंट से। अब अगर मैं इस फुल ज्वाइन को यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसको कॉपी करने के बाद मैं इधर पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ से मैं सारे के सारे डेटा को सेलेक्ट करते हुए एग्जीक्यूट करवाता हूँ फुल ज्वाइन को, तो देखते हैं कि क्या होता है। इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से मैं कंट्रोल एंटर प्रेस करता हूँ, हमारे पास ये आउटपुट आती है फुल ज्वाइन के तौर पे। अब उसने क्या किया कि वो तमाम वैल्यूज जो कॉलम ए की थी, वो तमाम वैल्यूज जो टेबल ए की थी और वो तमाम वैल्यूज जो टेबल बी की थी, इन दोनों टेबल की वैल्यूज को उसने कंसिडर करते हुए जो वैल्यूज ओवरलैप करती थी और नहीं करती थी सारे के सारे डेटा को उसने आउटपुट के तौर पर शो कर दिया। तो ये आपके इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, और आउटर ज्वाइन में जो डिफरेंट टाइप्स के लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन और फुल ज्वाइन है, किस तरीके से परफॉर्म करते हैं ये हमने डिस्कस किया है ज्वाइंस को यूज कर।